अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। यस, कैसी हैं जियान? साइमा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो जियान कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है बिग डे? इंडीड, वेरी बिग डे। साइमा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। साइमा कैसी हैं आप? जी मैम, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सुन के ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप ज्यादा बेहतर होगी। मैम, सारा दिन हम लोगों ने वेट किया है आपके इस सेशन का। एक्चुअली बस मुझे थोड़ी और अनफॉरसीन चीजें याद आ गई, अम्मा और जी इस दिन में सेशन टाइम पे नहीं ले पाई, लेकिन नो वरीज, आज के डेट में ले लिया। कल तक तो फिर ये था कि थोड़ा पुराना हो जाता, तो मैंने कहा नहीं आज ही लेते हैं। ओके, उज्मा ने भी ज्वाइन कर लिया। कैसी उज्मा? वालेकुम सलाम। आपकी बदौलत बहुत ठीक नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए, और मैं हमेशा एमसीपीएस के बैच पे ना बड़ा मुझे प्राइड फील होता है कि आप लोग कभी मायूस नहीं करते, इतनी एफर्ट करते हैं आप लोग ना, उसका पे बैक भी करते हो, अच्छे रिजल्ट्स होते हैं हमेशा। और ऑब्वियसली जितनी आप एफर्ट करोगे होगे तो सही ना रिजल्ट्स, तो एमसीपीएस वाले बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। मैम, एक्चुअली आप ना करवाती बहुत ज्यादा है। मैं आज भी अपनी, वो मेरी एक कोलीग थी, उसने ज्वाइन कोई और किया था ना मेंटोर, तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी को मतलब गलत या कोई अच्छा नहीं करवाता, जाहिर सभी करवाते हैं अपनी जगह पे, लेकिन हम, मेरा तो आपके साथ ही, मैंने शुरू में थ्योरी लिया, फिर क्रैश लिया, फिर मैंने ये लिया जो था टोक्स का। तो मैम, मैं उसको यही बता रही थी कि मैडम ने हमें इतनी ज्यादा चीजें करवाई हुई थी ना, कि मैं अब सोचती हूँ ना कि इतना ज्यादा कुछ हमने किया है कि उसमें से तो कुछ आया ही नहीं है, कि जितना कुछ आपने हमें साइमा, करवा दिया था, हमने बहुत हमने सिर्फ ज्यादा पास मैम पेपर्स चीजें ही किए करवाई हैं, हैं। वी हैव डन जस्ट पास पेपर्स। तो नहीं मैम, बहुत ज्यादा थ्योरी में अल्हम्दुलिल्लाह, भी और क्रैश कोर्स में भी, और मैम अभी भी बहुत ज्यादा चीजें मतलब कवर की हैं, तो और ज्यादा पढ़ के बुरा इतना लग ज्यादा रहा कुछ मतलब नहीं मैम, फायदा ही होता है, जाहिर है, जो मेहनत मतलब आपने हम पे की है है। पता है क्या वो उसी साइमा, का मेरा ही भी दिख चाहता है कि ना, अच्छा रिजल्ट आईबीएम की तरह आप लोगों को थोड़ा सा ना कम पढ़ाया जाए, क्योंकि आप ऑब्वियसली 2 ईयर की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ना एक्चुअली एमसीपीएस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे एग्जाम पास करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दे हैव टू वर्क लाइक कंसल्टेंट, आपकी जो जॉब डेजिग्नेशन है वो कंसल्टेंट्स की होती है, तो फिर मतलब वो कंपनसेट करना होता है कि 2 ईयर्स में मैक्सिमम आप लोग लर्न करें, और मैक्सिमम आप गायनियोप्स के केसेस देखें, उनको प्रैक्टिस करें स्टैंडर्ड वे में, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो दैट्स वाई ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है कि एग्जाम भी पास हो, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, और आपकी सारी एफर्ट इसीलिए करते हो ना कि अच्छी प्रैक्टिस करो, तो ऑब्वियसली सेफ प्रैक्टिस हो, दैट्स द रीजन। और मैम अबव ऑल ये होता है ना कि लाइक मतलब मैंने अभी इस दफा ग्रुप आपका नहीं ज्वाइन किया था, मतलब मेरा वो लास्ट वाला आपका था, लेकिन आप लिटरली लास्ट बैच पे हो? अभी भी मैम मेरा सारे हिस्ट्री टेम्पलेट्स वही थे, मेरा सब कुछ रटा रटाया वही था, लेकिन मैंने, पता है, आपकी बात पल्ले नींद बांधी थी। अब वो क्या बात थी? वो ये थी कि आपने कहा था कि अभी पढ़ना ही, अगले 6 महीने पढ़ना है। मैंने अगले 6 महीने ही पढ़ा, मैंने शायद लास्ट 2 मंथ्स में जोर लगाया होगा, लेकिन मैम ये आखिरी 2 महीने में जोर लगा के पेपर नहीं पास होता। मतलब अभी जब मैं गई हूँ, मेरी हिस्ट्री टेम्पलेट्स वही थे, लेकिन मैं, वो मेरी फिंगर टिप्स पे थे, मतलब मैंने वो इतनी दफा पढ़े, इतनी दफा मैंने याद किए कि मुझे बोलना आ गया।
और लिटरली जब मैं उस टाइम पे सुनती थी ना लड़कियों को, मैंने कहा यार ये कैसे बोल लेते होते हैं आप कैसे बोलते हैं, लोग भूल नहीं जाती होंगी क्या ये लाइंस इन लोगों तो ये कैसे आती होंगी। तो जब मुझे खुद अभी मुझे अपने अंदर मैंने चीजें इंडल्ज की ना, और जब मैंने अपनी प्रिपरेशन इस दफा की, तो मैंने वाकई फील किया कि नहीं यार वो भी बहुत प्रैक्टिस करते होंगे इसलिए उनको इस तरह से आता होगा। और मैम लिटरली मेरा हर स्टेशन तकरीबन तकरीबन 7 मिनट मैक्सिमम 8 मिनट में कंप्लीट हो जाता था, और मैं बैठी होती थी मुंह उठा के बस। हाँ बिल्कुल तो आता हो तो फिर वो 10 मिनट भी नहीं गुजरते, और अगर ना आता हो तो फिर वो मैम टाइम सेम तो मेरे जाता। साथ भी ऐसे था कि अच्छा 5 से 6 मिनट, मुझे एक दो स्टेशन से एग्जामिनर ने कहा भी कि आपके अभी 6 मिनट हुए हैं, अगर आपने कुछ और ऐड करना है तो आप कर लो। तो हाँ, फिर मैं दोबारा से वही चीजें दोबारा बताने लग जाती थी, मतलब तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब इस मतलब तरह नहीं से। होता अगर चीजें आती हूँ, है ना। और मैं मेरे साथ ये था कि जब सही मेरा बात है। स्टेशन खत्म हो जाता था ना, तो मैं एग्जामिनर से पूछती थी कि मैम और कुछ बताऊं आपको, नहीं मैम और भी बता देती हूँ, कुछ और पूछना है तो वो होती थी कि नहीं 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 बस बस बस। तो मेरा यही होता था कि सब, मुझे लगता है जो 10 मार्क्स की थी ना इनके पास, मुझे लगता है मैंने सारी सुना दी है, तो उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता था मुझसे पूछने के लिए। तो इस दफा उन्होंने मेरा वाइवा नहीं लिया, मैंने उनका वाइवा लिया। अच्छा, तो उसमें आपको ये लगता है कि मतलब पहली दफा जब आप पेयर हुई थी और इस दफा जब आप पेयर हुई है, तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत आपको ना फील हुई कि प्रैक्टिस इसमें बहुत डॉक्टर मैटर हीरा, ये करती दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखिए मेरी, मैं यही सोचती हूँ, मैंने कहा जो बंदा 75% लेके थ्योरी पास करके इस टोक्स में अपेयर होता है, उन सबको आता है, मतलब दे ऑल आर इक्वल। लेकिन फर्क मैम मुझे लगता है पता नहीं कहाँ, पता है कहाँ पे रह जाता है, आपकी प्रैक्टिस में फर्क रह जाता है, आपके बोलने के तरीके से, आपकी अप्रोच में। ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करती है। अब इवन मतलब मेरे साथ लोग थे, इवन उनकी थर्ड अटेम्प्ट भी एक्सपायर हो गई है। तो मुझे मुझे ये लगता है कि मतलब आपको एग्जामिनर को डील करना आना चाहिए, उसको टैकल करना आना चाहिए। तो मुझे याद पड़ता है कि अभी जब मैं सुनती होती डॉक्टर तैयबा को और इन सबको, जितने ये मेंटोर्स थे आपके, तो वो यही था कि आपने अपने आप को कंपोज रखना है, आपने अपनी आवाज का वॉल्यूम बैठने नहीं देना, आपके एग्जामिनर को ना पता चले कि आप घबरा रहे हैं या आप नर्वस हो रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के, इवन अगर आप गलत बता रहे हैं तो भी आंखों में आंखें डाल के बात करें कि एग्जामिनर परेशान हो जाए कि शायद मैं गलत हूँ, इसको सही आता है। और मैंने यही रूल अप्लाई किया, ये ठोक के बहुत अप्लाई सही बात किया की है, ये बड़ी सही बात की है कि आप इतने ये। कॉन्फिडेंट हो ना कि एग्जामिनर मैं कहीं आपको आपके साथ बताऊं, कुछ मैं आपको मसला छोटी सी बात नहीं बताऊं, है। मैम डॉक्टर हिना शायद ना बनवाती होती थी, समरी बड़ी शौकीन थी वो बनवाने की ना। बच्चों मुझे याद करोगे, मुझे अभी भी लफ्ज याद है, बच्चों याद करोगे मुझे इम्तिहान में बैठ के सीख लो समरी बनाना, हिस्ट्री एग्जामिनेशन। और लिटरली इस दफा लाइव पेशेंट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आएंगे, वाकई ऐसा था। और नहीं, जब हमने मैं कर गई करे थे मैंने ना इस देखा, बैच को, मैम तो मैंने एक देखा, प्रीवियस बैच से थे ना, इस बैच को तो हमने लाइव पेशेंट पे ही कराया था, लाइव हाँ लास्ट की रिमोट से। अच्छा, मैं मेरे मैंने खैर प्रैक्टिस नहीं थी, और मतलब मैंने कहीं प्रैक्टिस इस दफा नहीं की हुई थी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो लाइव पेशेंट आ गई और डॉक्टर हिना शायद जेन में आ गई, मैंने कहा, उन्होंने कहा था बच्चों हिस्ट्री एग्जामिनेशन और ऐसे बनाते हैं समरी। अब वो बात तो मेरे दिलो दिमाग में थी। अब मैम मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आप एग्जामिनर को मात दे जाते हैं। कुछ चीजें वाकई में भूल गई पेशेंट से पूछना, क्योंकि उस तरह प्रैक्टिस तो थी नहीं, लेकिन सबरी बना रही मुझे बहुत अच्छी आती थी, डॉक्टर ने शायद बड़ी अच्छी सिखाई थी। तो कुछ चीजें जो मैंने मिस की और वो मैंने एग्जामिनर को सुनाई, तो एंड आई वाज फीलिंग अबाउट कि एग्जामिनर को भी शायद बहुत डिटेल में को पेशेंट के बारे में नहीं पता है। तो इवन उसने पेशेंट से भी पूछा ना कि हाँ ऐसे है, तो पेशेंट कहती है नहीं, तो मैंने कहा नहीं मैम मुझे इसने ऐसे ही कहा था कि है। तो मैंने मतलब मैं एग्जामिनर की एग्जामिनर बन गई। तो मतलब अब मैम कहने का मकसद ये कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आपको ये एग्जाम कुछ नहीं कह सकता, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, अगर आप उसमें गलत हैं तो भी आप कॉन्फिडेंट से रहें बस। उसमें मुझे एक बात बताओ, कॉन्फिडेंस आता कैसे है, मतलब हाउ आप किसी को ये एडवाइस करते हो कि कॉन्फिडेंट रहना। मैडम ऑब्वियसली मैम प्रैक्टिस से आप आता है, प्रैक्टिस। देती हैं। और मैडम मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हाँ अगर जैसे आप कहती हैं ना कि अगर हम उस तरह चले ना चीजों को लेके, तो कभी एग्जाम हाथ से नहीं जा सकता। आप जैसे कहती है ना जो टास्क डेली का हो ना उसको कंप्लीट करो, और मैम मैंने ऐसे किया है कि मैंने जो टास्क आपको देती थी ना उसको एट एनी कॉस्ट, अच्छा बुरा, मैंने उस दिन में पूरा करना होता था। और जिस तरह आपने हमें कहा कि कोई एक कंपेनियन बनाओ और इस तरह से मतलब उनके साथ डिस्कस करो, तो उसी तरह मैं और आसमा मतलब थे हम लोग ना, तो उसी तरह ही मतलब मुझे लगता है कि अगर आपकी हम चीजों को फॉलो करके चले ना तो कभी एग्जाम हमारे हाथ से नहीं जा सकता, कभी भी। और मैम मैं मैंने मैंने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है,
मैं सोच भी नहीं सकती कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने 2021 में मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है, और उसके बाद मतलब मैंने किताबों को हाथ नहीं लगाया, और 2012 की मैं ग्रेजुएट हूँ। तो आप सोचें, 2012 के बाद मैंने 2023 में बुक्स को हाथ लगाया है, वो डॉक्टर हीरा के तवस्सुत से लगाया है, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह के मैडम की वजह से मैं मतलब इस जगह पे हूँ, और सिर्फ मैडम हीरा की वजह से। अल्लाह और पाक का डॉक्टर साथ है बेशक, और बाकी इनकी गाइडलाइन की वजह से। हीरा जो मतलब मैंने आपका वो लास्ट टाइम कोर्स लिया था, हिस्ट्री टेम्पलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा ना कि ऑलवेज देयर इज स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तो आप मिस नहीं करते हैं। और मैं जब अभी मेरी कंपेनियनशिप अभी बनी थी, मेरी फ्रेंड्स, मेरे पास कोई स्टडी पार्टनर नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैम उन्होंने किसी ने किसी का भी नाम नहीं, मैं लूंगी बड़े बड़े मशहूर नाम ग्रुप ज्वाइन किए, मैं तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा यार उन्हें आपको हिस्ट्री टेम्पलेट नहीं बनाना सिखाया, तो फिर आप क्या सीखते हो, आप उनसे क्या पढ़ते हो? लिटरली तो मेरा मेरे भी, मैंने पास भी यही कहा है अपनी फ्रेंड को। मैंने मुझे वो कहती है, हाँ यार ये तुम कैसे बोल लेती हो। तो मैंने कहा हमें तो उन्होंने करवाया ही ऐसे है। तो हाँ कहती हमें तो नहीं उन्होंने बताया इस तरह के, आप लोगों ने इस तरह करना है, आप लोगों ने इस तरह तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो मैंने कहा हमारी तो नजरों में वो तीन पार्ट आ जाते हैं कि ए बी सी, कि आपने इसमें अपनी उन चीजों को पूरा करना है। तो कहती है अच्छा, मतलब बिल्कुल। वो लास्ट वीक में मेरे साथ उसकी थोड़ी बहुत हुई बात, इस मतलब उसने कहा, और जिस तरह वो बता रही थी, तो मैंने कहा तुम मतलब, मैं अब नाम नहीं लूंगी जाहिर है, कि मतलब हमें किसी को डिग्रेड नहीं करना, लेकिन ये है कि बस हमें तो अगर कुछ सीखा है तो आप लोगों से ही मैडम सीखा है, मैडम होम से ही सीखा है, और और मैडम होम मैम की वजह से अभी हम जब मैम मैंने आज यहाँ पे नोट्स हैं। बनाए ना मैम अपने लास्ट, तो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, नोट्स तो मैंने बनाए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं बहुत की थी ना, अब यकीन जाने मैंने वो लफ्ज पर लफ्ज रटे हैं इस अटेम्प्ट में, मैंने वो रटे और मैंने बार बार प्रैक्टिस की है, और मैं मतलब बोल पा रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, इवन मैं उसको अपने तरीके से मोल्ड भी कर रही थी अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, अपने एग्जामिनर के हिसाब से, एंड दे वर वेरी क्वाइट सेटिस्फाइड फ्रॉम मी। और लिटरली मैम तकरीबन हर स्टेशन पे हर एग्जामिनर ने मुझे कहा था आप कहाँ से आई हो, कहाँ से ट्रेनिंग की है। अब मैं उस टाइम पे जरा मेंटोर का नाम आप नहीं ले सकते, लेकिन मुझे तो पता था कि ये डॉक्टर हिरा की जबान चल रही है। तो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया मैम मुझे, सारे एग्जामिनर्स ने। नहीं उसमें आप वैसे अच्छे भी हो, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट में भी मुझे, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, हार्ड वर्किंग हो आप काफी, लेकिन हाँ जैसे आपने बोला ना प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस, तो ये जो है ना जी एलिमेंट मिसिंग थे शायद जो आपने इम्प्रूव किया, हाँ जी आइडेंटिफाइड। हाँ, अच्छा ये और मेरे मैम भी नोट्स बनाने वाला जो आपने हमें कहा ना, नोट्स बनाने वाला, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए थे। तो पहले मैं पहली दफा नोट्स बनाने, पहली दफा नोट्स बनाए, मतलब जैसे आपने कहा, मैंने कहा नोट्स बनाए बगैर मैम ये चीजें हम नहीं सीख सकते। मतलब अगर एक दो टॉपिक जिनके नोट्स नहीं ना बनाए, वो जहन में ही नहीं रहे, जिनके नोट्स बनाए अब वो जहन से गए नहीं है। नोट्स बनाने वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट है मैम, जो अपने हाथ से, आप कहते थे ना अपने हाथ से लिखो, सब मेंटोर्स भी कहते थे अपने हाथ से जो लिखो, आपके अपने हाथ वो से उसी लिखे तरह हुए की नोट्स है होते हैं ना साइमा, सच जी में मैम। दे आर द मोस्ट प्रीशियस नोट्स, वो जी आपके लिए डिजाइन होते हैं, आप इन्हें लिखे होते हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये सारी उम्र काम आएंगे, फेंक मत देना। डोंट जॉब इज स्टिल नॉट डन, बार बार डायबिटीज हाइपरटेंशन आएगी, क्लिनिक पे खोलने पड़ेंगे, तो इनको संभाल के रखना है। बात के बस वही आपकी बातें वहां पे भी याद आ रही थी, कि बस मतलब शैटर्ड नहीं होना। एक मैं स्टेशन पे हुई, मेरा प्री टर्म जो था ना, वो मैम कॉल की पेन वाला था, शायद आपने सुना हो कि 31 कॉल की पे पेन है, थी, और 31 वीक्स मतलब पे लगी, इब्रप्शन भी नहीं। जी हाँ जी मैम जी, 31 31 पे थी, वीक्स पे थी, और 32 वीक्स का हाँ पीए था, और इब्रप्शन भी मतलब नहीं थी, लीकिंग भी उन्होंने कहा नहीं है, ब्लीडिंग भी नहीं है, और कॉल की पेन है। तो मैम एकदम कॉल की पेन से लेबर पेन मेरे जेन में नहीं आई, तो मैं एकदम हो गई ना। तो लेकिन ये है कि वही मेरे जेन में एकदम आया कि आप वाली बात, कि उनको कहना है कि मैडम प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैम प्लीज गिव मी सम टाइम, और यकीन करें उसके बाद उसने मेरे से जितने क्वेश्चंस किए ना, मैंने उन सबका आंसर दिया, वरना मैं एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, और वो ब्लैकआउट मेरा हो पांचवा जाते हैं। हाँ स्टेशन था। बिल्कुल सहमा, बिल्कुल ऐसे ही होता है, मतलब सबके साथ शायद ना हो, लेकिन मैं भी आप ही की तरह हूँ, मतलब बोलते बोलते ना मुझे एकदम से याद नहीं रहता है वेयर आई वाज, है ना, तो फिर जी ऐसा ही बंदा था हाँ अनशंट बोले तो बस थोड़ा सा है ना अपोलॉजी कर ले कि मैडम मैं थोड़ा सा आई वांट टू कलेक्ट माय थॉट्स, जी मुझे जी थोड़ा मैंने उन्हें कहा, वो बड़ी मतलब नाइस थी, लेकिन ये था कि मैम पता नहीं, जैसे एग्जामिनर मतलब आप बताते थे कि कुछ अजीब सी भी होती हैं, पता नहीं मैम सब बहुत अच्छी थी,
पता नहीं शायद जब आपको एक्सपीरियंस आता है मतलब ना, पहला ही था नहीं ना एक्चुअली जब आप आता है ना आपको, और जी तो जी फिर दुनिया की हर चीज ही आपकी मदद कर रही होती है, मतलब वो दिल से शायद खुश ऐसा ही होती है यार, है, इसकी हेल्प करो, यही तो है जिसने आगे जाना है, मतलब हम क्यों शायद जिंदगी ऐसा आगे ही है जाने में यू नो दरमियान में आए, तो ये लोग तो यू नो जी। अनस्टॉपेबल वो हैं। जो लेप्रोस्कोपी वाला था ना मैम, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी वाला था कि हुई है तो वो पेशेंट टेंडर एब्डोमन, और तो मैम वो मुझे तो लेप्रोस्कोपी का कोई इतना हम लोगों ने ना कभी देखी ना, तो वो मुझे नहीं एकदम मुझे लगा, मैंने उन्हें कहा कि मैम परफोरेशन शायद होगी, कहती कैसे कैमरे में हम देख रहे हैं तो कैसे परफोरेशन होगी। एकदम मेरे जहन में आया कि वेसल भी तो हो सकती परफोरेट ना, तो मैंने एकदम से बोला, कहती हाँ तो मैं यही तो तुमसे पूछना चाह रही हूँ, तो बस वाकई आपकी बात शोल्डर सही है कि टिचिंग के साथ मदद आई तो थी हो ना रही शायद होती जी। पोस्ट, हाँ जी पोस्ट, रजिस्ट्रेशन हाँ तो इजी थे जी वैसे, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कोई डिफरेंट थे, पता है रीजन क्या मैम थी? पेपर बहुत इजी था, पता नहीं मुझे लगा है कि इससे ज्यादा इजी आपको शायद आता पेपर था, नहीं हो आपको सकता आता था, यू वेल यू नो वेल वर्स्ड एंड वेल वेल प्रैक्टिस थी आपकी, तो दैट इज द रीजन आपको आसान लगा था, मतलब मैं कहूंगी आसान है तो ठीक है, बनता है कि लाइक मैम पढ़ा पहला होगा कोई स्टेशन तो था मेरा, सबसे पहला स्टेशन था फीवर, हाई ग्रेड फीवर पेशेंट, ऑर्बिटल पेन, कहती पेरी ऑर्बिटल पेन है, पीपी के सारे क्वेश्चन किए सब पूछा, मैनेजमेंट तक पहुंच गई, मतलब पूरा मतलब वो फर्स्ट स्टेशन था मेरा ना, तो कौन मतलब सा मैंने स्टेशन कहा रखा मेरा आपने? अच्छा डायग्नोसिस डेंगी है ना, डेंगू तो वाला, बाद में मैंने सोचा डेंगी कैसे हो, मतलब फिर मैंने कहा हाई ग्रेड फीवर है, और पेशेंट खुद ही बोली, कहती आप मुझे दाखिल नहीं करेंगी डॉक्टर ट्रीटमेंट भी साहब कम थे ना इसके था ना? जी। मैंने कहा हाँ हाँ मैं आपको दाखिल करूंगी, आप 104 बुखार के साथ मैं आपको घर नहीं भेजूंगी, तो कहती क्या देंगी, मैंने कहा मैं पेनाडोल आपको दूंगी, जैसे आप कहती थी सीधा सीधा रहो, तो मैंने कहा पेनाडोल की, कहती मैंने कहा नहीं आप घर में अपना ख्याल नहीं रखेंगी और इस तरह वो सारी बातें, और भी हम आपके टेस्ट करवाएंगे, तो बस अभी मैं यहाँ पे थी तो बेल हो गई ना, तो मतलब ये था कि वो लड़की मुझे कहती आपको 8 मार्क्स दिए हैं, वो बाद में ना जब मैं निकलने लगी ना तो मेरा क्योंकि सबसे पहला था तो मैंने उससे पूछा, तो कहती आपको 8 मार्क्स दिए, मैंने वैसे बाकी लोगों का कहा कैसा मैंने तो होगा? मैनेजमेंट भी नहीं पूरी की थी, तो मतलब कैसे ये किस बाकी लोगों का कैसा होगा उसमें ध्यान? मैम मेरा डेंगी वाला अल्लाह का शुक्र है मैम, जैसे वो हिस्ट्री टेम्पलेट था ना मैंने स्टार्ट ही उससे किया, मैंने उसको 1 मिनट दिया, मैंने कहा आप अपने अपने मतलब मैम मेरी जो एग्जामिनर थी ना शी वाज अ रोल प्लेयर हर सेल्फ, कोई अलग से मेरा रोल प्लेयर नहीं था, तो हिस्ट्री जी टेम्पलेट मैंने उसका जब पकड़ा और मैंने उससे पूछा, मैंने उसको 1 मिनट दिया, मैंने कहा आप मजीद बताएं अपनी बीमारी के बारे में, तो वो जाहिर आप वाली बात है कुछ ना उसने बोलना ही था, काफी कुछ वो बोल गई उसमें, तो मैंने उसकी चीजें कैच कर ली क्योंकि उसके अंदर, हाँ वो मैंने उसी बाकी के पहला मैम पीरियड सेम बोर्ड फॉर मी रहता एज है। वेल मैं बड़ी हाँ जी तेज मैम, थी आपने तो भी यही कहा था मैंने कहा बताओ ना जरा मैम, वो बड़े खुल के बताती गई मुझे, फिर मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा फीवर मुझे बड़ा एबनॉर्मल सा लग रहा है, तो फिर बाकी मैम सारी हिस्ट्री टेम्पलेट मैंने उसका फॉलो किया, मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता हाई ग्रेड फीवर है यकीनन ये डेंगी होगा, तो फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा और क्या पूछोगी और क्या है, फिर मैंने सारा हिस्ट्री टेम्पलेट कंप्लीट किया, मैंने पूछा अभी तक टेस्ट कराए इन्वेस्टिगेशन कराई, कहती नहीं कुछ नहीं कराया अभी तक, कोई दवाई नहीं ली डॉक्टर साहब, 5 दिन से बुखार हो रहा है इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, फिर मैंने ठीक है मैंने कहा आपका मैं मुआयना भी करके देखूंगी, मुआयने में क्या देखूंगी, फिर मैंने सारा उसको मतलब उर्दू में एक्सप्लेन करना था कि मैंने आपका वजन और कद की पैमाइश करके आपका BMI चेक करूंगी और साथ जो है आपकी नब्ज चेक करूंगी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, साथ आपके वाइटल देख लेती हूँ जैसे कि आपका कोई खून की कमी तो नहीं है, पैलर चेक कर लिया सारा वो कर लिया, फिर मैंने उसका थायराइड का भी देख लिया, ब्रेस्ट का बोल दिया, पर एब्डोमिन मैंने कहा मैं आपको मुआयना करके देख लेती हूँ और जिस्म पे कोई धब्बे तो नहीं है मैं निशान चेक कर लेती हूँ आपके, सारी चीजें जल्दी जल्दी मैंने बताई मैम उसको, फिर मैंने कहा मैं आपकी ना टेस्ट कुछ करवा के देखूंगी क्योंकि आपके टेस्ट तो हुए हुए नहीं है, कहती क्या कराएंगी, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपका ना सबसे पहले आपका खून का करवाती हूँ जिसको ब्लड ग्रुप ग्रुप कहते हैं, और उसके अंदर क्या देखेंगे, मैंने कहा उसके अंदर आपका खून का HB देखती हूँ, साथ मुझे प्लेटलेट काउंट चाहिए आपके और TLC काउंट चाहिए, तो उसने मैम प्लेटलेट काउंट मुझे लाख से ऊपर दिए थे और उसका HP 9.8 था, तो मैंने नेक्स्ट उसे कहा मैंने कहा मुझे साथ जो है ना कंप्लीट इंडेक्स आप साथ दे दें, तो उसने कहा उसमें क्या देखना है, मैंने कहा 9.8 HP है कुड बी कि उसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, उसके बाद मैंने प्लेटफल फिल्म उससे मांग ली, कहती उसकी क्या जरूरत है आपको, मैंने कहा मैं सेल्स देख लेती हूँ उनकी किस तरह की पिक्चर है कोई इस तरह का तो नहीं है, कहती है आगे क्या देखोगे, जी मैम आगे मैम फिर का और क्या मांगोगी, मैंने कहा ब्लड ग्रुप RH फैक्टर दे दें, तो फिर सीरोलॉजी मांग ली, फिर उसके बाद इस तरह मैम ब्लड शुगर रैंडम मैंने उसकी पूछ ली, फिर यूरिन कंप्लीट, कहती उसमें क्या देखोगी, मैंने कहा वही पस सेल्स नाइट्रेट शुगर और वो सारा कुछ, अच्छा और क्या देखोगी, मैंने कहा मुझे डेटिंग स्कैन चाहिए, मुझे रिसेंट स्कैन चाहिए, मुझे नॉर्मली स्कैन चाहिए, तो बस ये इसका मैम इतना ही से मुझसे पूछा, मुझे बताओ आप क्या करोगी मैनेजमेंट में क्या होगा इसका, मैंने कहा डेंगू मैम सेरोलॉजी मैं नहीं कराई तो फीवर देख जी मैम के?
जी जी कराई है, सॉरी वो भी कराई थी मैम जी। हमें उन्होंने प्लेटलेट्स मैम दिए हुए थे, हमें जी मैम उन्होंने लैब सामने लगाई हुई थी, लैब्स और अल्ट्रासाउंड लगाया हुआ था। अच्छा हमारा नहीं था मैम, इस्लामाबाद में नहीं था मैम। उसने मुझे कहा कि डेंगी आईजीएम पॉजिटिव है, तो फिर मुझे समझ आ गई डेंगी है। मुझे कहती क्या है इसको, मैंने कहा मैम इसको डेंगी फीवर है, दिस इज डेंगी फीवर। तो मुझे कहती मैनेजमेंट क्या करोगी, मैंने कहा सबसे पहले मैम मैं पेशेंट को एम्पैथेटिकली काउंसिल करूंगी कि ये जो है ना इसको डेंगी फीवर हो गया है, और आई विल एक्सप्लेन माई पेशेंट रिगार्डिंग द जो उसकी फिटोमटल रिस्क हो सकती है, एंड आई विल एड्रेस हर कंसर्न्स, और उसके बाद जो है ना आई विल टेक हर इनटू द कॉन्फिडेंस विच विल फॉर्म बैक बोन फॉर माई मैनेजमेंट प्लान। कहती और क्या करोगी, मैंने कहा मैम इसके बाद जो है एम ऑफ माई ट्रीटमेंट वुड बी टू मेक माई पेशेंट सिम्टम फ्री, टू इम्प्रूव हर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ट्रीट हर डिजीज, और टेक द प्रेगनेंसी एज क्लोज टू द टर्म। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आई विल ऑफर एडमिशन टू माय पेशेंट। कहती कहाँ करोगी, मैंने कहा मैडम हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। कहती क्यों, मैंने कहा ऑलरेडी मैम पेशेंट को 5 डेज से हाई ग्रेड फीवर है, और जो प्लेटलेट काउंट आपने बताया अराउंड 1 लाख 1 लाख, आई विल नॉट पुट माई पेशेंट लाइफ एट रिस्क, सो आई विल एडमिट हर इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। मैंने कहा वहाँ पे मैडम मैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व करूंगी। मुझे कहती है उसकी तुम्हें क्या जरूरत है, मैंने कहा मैम इसको फीवर बहुत ज्यादा है, एक तो ऑब्स्टेशन है, दूसरा जो है मेरे फिजिशियन होंगे और साथ जो है ना मैं उनको रिव्यू करूंगी और न्यूरोटोलॉजिस्ट को भी साथ इन्वॉल्व करूंगी। तो बस वो करती गई, फिर उसके बाद कहती किस तरह करोगी मॉनिटर, मैंने कहा मैं इसका जो है ना ब्लड कंप्लीट काउंट बीडी में करवाऊंगी, एंड आई विल रिव्यू द ड्रग्स बीइंग टेकन बाय द पेशेंट, और आई विल कीप माय पेशेंट अंडर स्ट्रिक्ट फीटो मेटर्नल सर्वेलेंस, और उसकी मैं स्ट्रिक्ट मॉनिटर करूंगी, फीटल की भी स्कैन कराऊंगी फलाना ढिमकाना करके। फिर मैम मुझे कहती है अच्छा माम में बस यही मैम यही, और एडमिट करके क्या करोगी, मैंने कहा मैं हाइड्रेशन स्टेटस उसका इंप्रूव करूंगी, इनपुट आउटपुट मेंटेन करूंगी, उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे पेरेंटल, और फिर आगे मर्जी जो है वो उसको जो भी हमारा होगा फिजिशियन होंगे उसको मॉडिफाई करेंगे जिस तरह करना है, ब्लड कल्चर साथ हम पेशेंट के ले लेंगे और उसको फिर हम करते रहेंगे मॉनिटर। तो मैम इधर तक ही था बस, फिर बेल बज गई। ओके जियान, आपका कैसा हुआ था डेंगी? मैडम मेरा भी अच्छा हुआ था अल्हम्दुलिल्ला, आपकी दो बातों पर मैंने अमल किया था, एक तो पहले ये कि पेशेंट को बोलने दो, दूसरा कामनेस इज योर सुपर पावर, अब तो पड़ गई है ना सर पे, पैनिक नहीं होना, और ऑप्स का पेशेंट है कुछ ना कुछ, आंख मैंने कोई आपका सेशन लाइव नहीं लिया सिवाय पेपर से एक दिन पहले वाला, क्योंकि अच्छा मतलब मेरी जॉब चल रही थी साथ में, रिकॉर्डिंग से तो पहले। बस अल्हम्दुलिल्ला वो गोल्डन मेरे लिए लेक्चर था, अच्छा तो जो जजाक लास्ट अल्लाह सेशन मैडम। था, लास्ट मिनट सेशन था जो, चलो जी जी मैडम, काम आ गया आपने, जला कर बारे ना। कला मैम, कहाँ था एग्जाम, किधर था आपका? मैडम कराची, ओके कराची, पिशावर और इस्लामाबाद, लाहौर भी। लाहौर से कौन था इस दफा? साइमा तुम्हारा कहाँ था? मैं लाहौर। हाँ सारे सेंटर वाले लोग बैठे हुए हैं, गुड। जी मैं लाहौर से थी। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे डेंगी का ही स्टेशन है, तो ये इसमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट स्टेशन पे डिफरेंट थी, मतलब स्टैंडर्ड नहीं थी, सीरोलॉजी कहीं थी कहीं नहीं मैडम थी। 9.8 और 114 प्लेटलेट्स हमें भी बताए थे, और मैंने उनसे अच्छा हमें पूछा था नाइन पॉइंट फोर कि एच बी थी, लगी हुई थी लैब सामने, लगी हुई थी, अच्छा हमें नहीं, अल्ट्रासाउंड हमें नहीं लगा दिया हुआ हुआ था, था। और मेरे मांगने पर उन्होंने कहा था कि आईजी, मैंने कहा था मलेरिया डेंगी के टेस्ट करवाऊंगी सीरोलॉजी, और उन्होंने फिर दिया था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हीरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ना ठीक डॉक्टर हीरा, मैं स्पेशली आपको आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके ग्रुप की वजह से मैं फर्स्ट गो में क्लियर किया है मैंने ये सब कुछ ना। अभी अलहमदुल्ला, मेरी खत्म हुई थी और मैंने फर्स्ट ग्रो में क्लियर कर लिया, और सिर्फ आपके ग्रुप की वजह से, क्योंकि मैंने दूसरा ग्रुप शुरू में ज्वाइन किया था, मुझे सारों ने कहा वो ग्रुप ज्वाइन करो, तो वो पहले उसकी ना क्लास के बाद मैंने कहा नहीं ये तो नहीं है, इसमें मैं पास नहीं हो सकती हूँ, और आप इतना बकअप करती थी, इतना बकअप करती थी, कि उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने आराम से क्लियर कर लिया। मेरी कंसल्टेंट भी इतनी हैप्पी थी, आज मैं उनके पास गई, इतने खुश थे सारे, हाँ सही सारों ने लगी। सबको बताया कि डॉक्टर हीरा ने ग्रुप ज्वाइन। चलो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर नंबर्स नाउ, थैंक नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर हीरा। यू सो मच। आमना कहाँ से ट्रेनिंग की थी आपने और टाइम किधर था? हीरा मैं रेलवे से ट्रेनिंग की थी मैंने, और वो डॉक्टर बुशरा नहीं थी जो आपकी क्लास फेलो, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आमना ये वाला ग्रुप अच्छा है तो तुम ये वाला ज्वाइन कर लो ना, क्योंकि मैं इतना रो रही थी, मैंने कहा यार मैंने वो ज्वाइन किए और वो लोग तो कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे पढ़ा रहे हैं, हालांकि 30,000 मैंने उधर भी पे किया था, तो उन्होंने जब पहली दफा ये कहा ना कि मैं अल्लाह के नाम पे पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी शिट थी, फिर मैंने ना आपका ग्रुप ज्वाइन किया, इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत बहुत रेलवे हॉस्पिटल ही कौन सा अच्छा है? अच्छा। पिंडी की बात कर रहे हो? रेलवे हॉस्पिटल पिंडी, जी 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 डॉक्टर फरीसा।
डॉक्टर फरीसा आई भी हुई नहीं थी, और तू लेडी तो मुझे हाथ हिलाती थी, मैं लेडी। सोचती थी अल्लाह अगर मैं फेल होगी तो मैडम मेरा क्या हाल करेंगी पता अगले साल। है हम ना, मतलब मैंने भी जब मैं खुद एग्जाम कैंडिडेट थी ना, तब तो ऑनलाइन नहीं होते थे, तो मुझे जाना पड़ता था इन पर्सन। यू नो अच्छा बेस्ट कोर्स विच यू नो आई विल ग्रेट वाज यू नो बाय डॉक्टर फरीसा, बिकॉज यू हाँ नो बहुत, शी इज टू डेडिकेटेड एंड इट्स लव हर हर टीचिंग हर पैशन। और जब मेरा अपना बहुत नाम था ना, तो वो खुद भी एग्जाम दे अच्छा। नहीं, मैडम का दिल तो इतना सॉफ्ट है। उनको मैं इतनी दफा सुना चुकी थी, उनको पहले ही पता था कि अभी आ नहीं गई है। आप कहाँ से, आप रेलवे में नो थी? नो नो नहीं, मैंने रेलवे में उनका कोर्स अटेंड किया था, तो हर केस में वॉलंटियर होती थी। आपको पता ना, कुछ लोग लोग वॉलंटियर नहीं होते, मतलब जहाँ भी मसला हाँ होता था तो फिर मुझे वो कहती थी। तो जब मेरा अपना केस था, तो शी वाज एग्जामिनर, तो उनको केस से पहले ही पता था कि ना इफ इट वाज डिफिकल्ट तो मैं इसे कर लूंगी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हुई, जब से होती हैं, तो उन्होंने मैंने प्रिवाइड कर दिया। है ना, मैं लिटरली वो आपको फॉरवर्ड करूंगी और आप सुनना, लेकिन थैंक यू वो मैसेज मुझे आया आपकी वजह से है, क्योंकि आपने चलिए प्रेशन कराई थी कि बस सो मेरा ख्याल है हम आपके ना ये जो पॉडकास्ट है ये सुनेंगे बच्चे बाद में, तो इसको थोड़े स्टेशन को गाइड कर दें अच्छे से, ताकि डॉक्टर बच्चे। हिरा, मैं एक्चुअली आई थी सिर्फ आपको थैंक यू कहने के लिए, मैं असल में पिंडी आई हुई थी फैमिली के साथ, तो आई कैन मैंने वापस अंडरस्टैंड, आई कैन जाना था। अंडरस्टैंड, नो वरीज नो वरीज। थैंक यू, आप आई, आपने तो ज्वाइन किया, थैंक वेट किया। यू सो मच, ऑलवेज थैंक यू। और डॉक्टर हिरा, आपने मुझे ना एमआरसीओजी भी कराना है, कहना मैंने ये नहीं इतना चाहता नहीं मैंने कुछ पीपीटी तैयार की हुई है, जस्ट होल्ड ऑन, आपको। हम ये केस बाद में कर लेंगे डिस्कस, आप चले जाओगे। तो मैं भी यही हाँ कहना चाह रही थी, देखें जिन बच्चों ने सॉरी जिन मुझे मतलब पर्सनली कांटेक्ट किया, ये तो वो बच्ची हैं, तो इसलिए मैं पर्सनली उनको यू नो कंग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। जिले हुमा को, साइमा को, अफशा को, रियान ने तो ज्वाइन भी किया है, नादिया को, नादिया बशीर को, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, डॉक्टर रानी, डॉक्टर मरियम रजाक, मरियम रजाक काफ़ी अरसे से मेरे साथ थी, लाइक थीरी सीरीज, मतलब थीरी पूरे 2 ईयर, और फिर यू नो टॉक्स में तो उनके साथ तो बहुत ही लंबा ताल्लुक था, डॉक्टर मिसबा, डॉक्टर सुमेरा शाहीन, डॉक्टर नजमा, डॉक्टर सारा, डॉक्टर राहिला, वर्दा रजाक, ये भी मेरी काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट थी, डॉक्टर हमीदा। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने यहाँ स्टॉप नहीं करना, ठीक है? मे बी अब मेजोरिटी बाद में सुने, और कुछ और भी नंबर्स हैं जो भी मैंने सेव नहीं किए, मतलब 5-6 और नंबर्स भी हैं, तो अपोलॉजी मैं आपका नाम नहीं ले पाई। तो अभी रिकॉर्ड बस आप ही लोगों का था, तो इसीलिए आपके नाम ऐड किए। तो देखो यार, एमसीपीएस हो गया ना, तो आपके पास ना जो फर्दर सॉरी ऑप्शन ना, ये तो प्राइवेट प्रैक्टिस की है जो सबके पास ही होती है ना, इजी है ना, मतलब आपके पास अगर हाँ जी एमसीपीएस की डिग्री है, तो आपके पास यू नो लाइसेंस है, यू कैन वर्क लाइक कंसल्टेंट इन एनी सेटअप, जैसे एफसीपीएस काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट सेटअप में तो कोई मसला नहीं है ना। देखो जी बिल्कुल जो जो होते हैं ना आपके पेशेंट, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एफसीपीएस हो, एमएस हो, एमसीपीएस हो, या एमआरसीयूजी या एमआरसीपीआई हो, उनको फर्क पड़ता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, और आपकी मैनेजमेंट से वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। प्राइवेट प्रैक्टिस में ना डिग्री खास मैटर नहीं करती, ऑब्वियसली आपको लाइसेंस तो लेना पड़ता है, आप खुद नहीं कॉन्फिडेंट फील करते वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं भूलना कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका यू नो नॉलेज, वो भी अपडेट अपडेट मतलब सेफ होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, और पेशेंट को भी ठीक होना चाहिए, मतलब आप इस काबिल हो कि डायग्नोसिस बना लो, और बनाने के बाद ना कम्युनिकेशन यू नो बहुत जरूरी है प्राइवेट प्रैक्टिस में। मैंने आपने अक्सर देखा है दाइयाँ भी हैं जो LHVs भी हैं, उनके पास चलो ये पार्ट नहीं है, दे हैव यू नो कोई कंसल्टेंट डिग्री नहीं भी है, लेकिन देखा उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उसकी बेस पे उनकी कितनी ज्यादा पेशेंट बैंक होता है ना, मरीज ठीक करने के और होता है, तो ये तुम लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है, इफ यू विल ऑप्ट प्राइवेट प्रैक्टिस। गवर्नमेंट जॉब तो अब रेयर ही हो गई है, बस जिनके पास है उनको कंग्रेचुलेशन। अच्छा, एमसीपीएस के बाद ना आपके पास मजीद आपने अपने करियर को बूस्ट करना है, तो FCPs भी सॉरी एक ऑप्शन है, MRCPI भी और MRCUG भी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम FCPS कर लेते हैं, और करते भी हैं कि हम ये लाइक IIM जो है, अभी आप लोगों का हो गया एग्जाम, चल रही थी ये डिबेट एक FCPSP में, कि अगर आपने MCPS कर लिया है तो आपको 2 ईयर फर्दर ट्रेनिंग करनी है और अपनी वर्कशॉप पूरी करनी है फॉर FCPS।
मैम पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है अभी। एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, इसी पे शायद उनकी कंपेन चल रही है, लेट्स सी इसका क्या मैडम होता को कह रहा था कि 3 साल की ट्रेनिंग और मजीद करनी पड़ेगी, आई एम एम एग्जाम हो जाएगा, लेकिन सुनने में आ रही है अभी। ये कंपेन चल रही है, लेकिन करनी क्यों है? वाई टू गो फॉर एफसीपीएस? पाकिस्तान में एमसीपीएस या एफसीपीएस में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही जॉबलेस हैं तो करनी तो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, तो उसमें तो मैटर ही नहीं करता। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वैसे वो तो कभी भी आपने प्राइवेट सेटअप पे नहीं करने, वो तो आपने रेफर ही करने हैं, और बाकी जो मेजोरिटी है वो ये नीम या डायबिटीज वाली होगी या प्रोलैप्स वाली, इनफर्टिलिटी वाली, वो तो आराम से कर लोगे मैनेज ना, इतना तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह आता है। तो अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। और फिर भी अगर आप लोग ऑब्वियसली अच्छा पढ़ने से, ज्यादा पढ़ने से या एक स्टैंडर्ड एग्जाम देने से जो आप में कॉन्फिडेंस आता है, उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइक एमआरसीपीआई, एमआरसीयूजी, इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, ये आपकी डिग्री के साथ लगते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अनदेखा सा ऐड तो हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप अपनी ही कोलीग्स में थोड़ा और ज्यादा बेहतर भी फील करते हो, तो इन डिग्रीज का फायदा है। ना सिर्फ आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस ऐड होगा कि आपको बहुत आता है, बहुत से मतलब ये कि सेफ आता है, स्टैंडर्ड आता है, आपने काफी वैरायटी ऑफ केसेस देखे हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं, ठीक है, बाहर भी जाते हो पाकिस्तान से तब भी। लेकिन एमसीपीएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी एमआरसीपीआई थोड़ा बेहतर है उसमें, जी एमआरसीपीआई मैम, थोड़ा, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना आपको एमआरसीयूजी 1 देना पड़ता है। एमआरसीयूजी 1 देने के बाद आप एमआरसीपीआई 2 और 3 दे सकते हैं। तो ठीक है, ठीक है। आप एमआरसीयूजी 1 करें, लेकिन एमआरसीयूजी 1 के बाद एमआरसीयूजी 2 मत करें इफ यू हैव डन एमसीपीएस, क्योंकि इसके लिए ठीक ना 4 ईयर की ट्रेनिंग जरूरी है एमआरसीयूजी के लिए, और स्लाइटली डिफिकल्ट है। तो एमआरसीपीआई में 2 ईयर की ट्रेनिंग जरूरी है, वो तो आपके पास है ही, है ना, ठीक है, ठीक और है। इजी है। लाइक सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं जो कि आपने एमसीपीएस के बेस पे किया, और क्वेश्चन भी वैसे इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। ठीक है, और जो इनके लॉन्ग केसेस होते हैं वो भी आप लोगों के केसेस की तरह होते हैं, मतलब आफ्टर एमसीपीएस एमआरसीपीआई ज्यादा जल्दी हो जाता है। हाँ, वंस यू हैव डन एमआरसीपीआई तो आराम से फिर एमआरसीयूजी भी हो जाता है। पता होता है क्या, कैंडिडेट एमआरसीयूजी 2 की रेस में लगे रहते हैं, फिर अटेम्प्ट देते रहते हैं देते रहते हैं, जो स्पेसिफिकली एमसीपीएस बैकग्राउंड से होते हैं। एफसीपीएस वालों के लिए कर लेते हैं एमआरसीयूजी भी जल्दी, लेकिन एफसीपीएस के लिए, एमसीपीएस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है मुझे। मैं इसको मेंटोर कर रही हूँ तो मुझे ये फील हुआ है कि एमआरसीयूजी 1 देने के बाद ना आप एमआरसीपीआई कर लें, तो आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री जल्दी आ जाएगी, और आप अर्न अच्छे तरीके से कर सकोगे, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, तो एमआरसीयूजी में इन्वेस्ट करें। ये तो एग्जाम थोड़ा कॉस्टली भी है, क्योंकि 1-2 अटेम्प्ट लगती हैं 2 और 3 निकालने में, और फिर आपको जो कोचिंग है वो भी स्लाइटली ना कॉस्टली है। तो एमआरसीयूजी मेरा मेरा ये है कि स्टेप 2 रखें पहले, स्टेप 1 पे ना आप एमआरसीपीआई रखें इफ यू हैव डन एमसीपीएस, ठीक है। तो ठीक है। आप जल्दी में थे तो मैंने ये स्लाइड पहले लगा दी। ठीक है। तो मैम जितना रगड़ा आपने दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई उसमें कोई मसला होना चाहिए MRCOG 2 देने में या 3 में। नहीं, आपने कसर मसला तो कोई छोड़ी हमारे साथ। उसमें मसला नहीं होगा, लेकिन मैं अगर आपके साथ देखो, मैं तो आपको पता है मैं एमआरसीपीआई अभी पढ़ा भी नहीं रही मैं एमआरसीजी 2 पढ़ा रही हूँ, ये 1 पढ़ा रही हूँ मैं, फिर भी मेरी सिंसियर एडवाइस ये है कि एमआरसीपीआई आप लोगों के लिए ज्यादा इजी और बेनिफिशियल ठीक है, है, ठीक है। इजी टू डू है, मतलब आपको 3-4 साल एमआरसीयूजी में लग जाए, आप विद इन 1 ईयर एमआरसीपीआई कर लोगे। और ये गल्फ तो मैं कंट्रीज में, सऊदीया में, आयरलैंड में, और आयरलैंड में काम करने के बाद इवन यूके में आप रिकग्नाइज हो, यू हैव जीएमसी रजिस्ट्रेशन। मैम ये एज अ कंसल्टेंट लेते हैं दुबई में भी बिल्कुल और वहां बिल्कुल, पे, मतलब तो आयरलैंड पर। एमआरसीओजी के बेनिफिट्स हैं, दे ऑल बेनिफिट्स आर विद एमआरसीपीए। ठीक है, ठीक है। तो मैम उसके लिए गाइडलाइंस भी वही वाली है, उनकी अपनी है, कोई आयरिश की या क्या है इसका? थोड़ी बहुत चेंज है, आयरिश गाइडलाइन कोई 10 के करीब है, बाकी सारा कुछ वही है जो एमसीपीएस में पढ़ा है, सारा कुछ वही है। यू विल बी अमेज्ड तो मैम कि यार ये तो बस एमसीपीएस ही किया है। ये आप नहीं पढ़ाएंगी तो कौन पढ़ाएगा फिर? हमें तो आदत ही नहीं है मुझे तो फिर नहीं, ये मैं कैसे करूँ करेंटली एमआरसीपीआई नहीं पढ़ा रही, बट लाइक इसका मैं। एग्जाम मार्च में है, तो मार्च के लिए नहीं पढ़ा रही, बट आई विल स्टार्ट कोचिंग फॉर दिस एग्जाम, फॉर मतलब जो इनका आई मैम थिंक मार्च में हमने देना भी नहीं है, नवंबर मार्च में में हमें होगा, देना भी नहीं है। इंशाल्लाह जब आप पढ़ाएंगी हम तब भी देंगे इंशाल्लाह। नवंबर में मुझे भी होगा कल मेरे मैम। कजन उन्होंने बताया है, वो भाईजान ने अच्छा मतलब उनको मैंने बताया रिजल्ट का,
तो वो मुझे कहते हैं अबिदा नहीं रुकना, अब तुमने MRCPI करना है। तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह, मतलब जरूर मैं मतलब करूंगी ना। तो वो आपने भी अभी बता दिया, तो इसलिए इंशाल्लाह जब आप करवाएंगे हम तभी करेंगे, नहीं मैं नवंबर क्योंकि के, इस तरह नहीं हाँ हम कर स्टार्ट कर सकते। दी। नहीं, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा और MRCPI, चलो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और मैम वन की तैयारी करवाती हैं, MRCOG 1 हाँ MRCOG 1 और 2 दोनों की हम करवा रहे हैं, मैं अकेली वन और नहीं टू हूँ, ठीक है हाँ देयर इज ठीक यू है नो अदर सेंटर्स एज वेल। मैम। ये वन का तो दोबारा अब कब है, नेक्स्ट वन का कब है? नेक्स्ट का जुलाई को, 5 जुलाई को है, अभी तो एक 16 17 5 जुलाई 16 जनवरी को है, उनके तो क्रैश कोर्सेस ठीक है चल रहे हैं, बट आप लोग ठीक है उसके नहीं करो तो फिर आप सॉरी जुलाई में करनी कीजिएगा। ठीक है ठीक मैडम वो है तो कोई ठीक है 6 मंथ का अच्छा कोर्स होगा ना, जो अगर हम इंशाल्लाह ताला वो इसको सिक्स स्टार्ट मंथ का करते हैं होगा, जनवरी वो से। 6 मंथ का होगा, 100% MRCOG 1 तो 100% गारंटी आप पास कर लोगे, मतलब इट्स टू इंशाल्लाह इजी मैम, आफ्टर डूइंग इंशाल्लाह एमसीडीएस, मैम, इंशाल्लाह इट्स टू मैम। हमें आपसे इजी। पढ़ने की आदत है, हमें किसी और का समझ में नहीं आता। सही बात है, ये जब शुरू में मैम ये वाला टॉक स्टार्ट हुआ ना, तो हमें तो आपकी ही वो आदत हुई हुई थी कि एक एक चीज को ऐसे डिटेल में खुल खुल के बताने वाली, तो वो फिर थोड़ी हाँ आई सी कैन हमें अग्री विद तंगी। यू, आई लेकिन कैन अग्री विद यू। मेंटोर्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब उनके साथ फिर ऐसा ऐसा हमें फिर उनके साथ भी आदत हो गई थी, लेकिन वो आपकी आदत हुई हुई है आई वॉज ना। देयर इन लास्ट डेज, आपके मॉक एग्जाम क्लिनिकल केसेस बस विद मी। पता है क्या, जब आप सारे कोर्स तो खुद मैम पढ़ाओ ना, क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, इतना अच्छे से टाइम नहीं दे बिल्कुल पाते, तो दैट्स व्हाई यू नो हम 4 5 होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अपना केस बहुत अच्छे से तैयार करके आप लोगों के लिए आते हैं, तो आप लोगों का हमारी एनर्जी में कोई यू नो फाल नजर नहीं आता, और ये बहुत जरूरी है, वरना यू नो स्टडी टॉक्स में इतनी चीजें हैं, इतनी सिचुएशंस हैं, इवन डायबिटीज पे कोई 10 15 केसेस हैं, डिफरेंट यू नो वैरायटी है, एक मेंटोर एग्जॉस्ट हो जाता है, मुझे लगता है ज्यादती है, वो इतना बेस्ट नहीं दे पाता, तो बजाय इसके कि आपने हाँ जी यू मैम नो कसम खाई हुई है कि बाकी लोग आए ना, मैं चाहती तुम लोग भी आओ, तुम लोग अगर अच्छे हो ज्वाइन मेड होम, क्योंकि अच्छा पढ़ाने वाले यू नो हमेशा हर दौर में हर कोर्स में रिक्वायर्ड है। तो ओके, तो अच्छा हम डॉक्टर हीरा, स्टार्ट फिर आप कर ली नोटिफाई, फिर कर दीजिएगा कि आपका कोर्स जो है MRCOG 1 वाला जुलाई वाला आपने जब से स्टार्ट करना हुआ ना मैम, वो प्लीज कहीं नोटिफाई कीजिएगा, मुझे ही बताइएगा ताकि मैं ज्वाइन कर लूँ फिर टाइम से वो ओके, आई विल जुलाई यू वाला। नो यू ठीक इनबॉक्स कर दूंगी और ग्रुप ठीक पेज पे लगा दूंगी, तो सब भी एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर हीरा फॉर योर कॉपरेशन, फॉर योर लव, फॉर योर सिंसियरिटी, एवरीथिंग। मतलब मैं उसको पे बैक नहीं कर सकती, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर एवर। थैंक जाकिर लाला ने आपको यू कामयाब रखे, अभी आपने बहुत आमीन। टाइम दिया है, ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड फैमिली वेट कर रही है उसमें, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर आ, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट अगेन ज़ियान साइमा, जी जी कर मैम लें थोड़ा थोड़ा डिस्कस ये, ताकि आपकी यू नो जूनियर्स को थोड़ा फायदा हो जाए कि एग्जाम कैसा था, लाइक आप लोगों के पास मैम है, तो उन लोगों को भी यू नो एक पता चलेगा कि पास कैंडिडेट ने कैसे अप्रोच किया है, हम तो पढ़ा ही देंगे सब कुछ, लेकिन आपकी बात हो रहा है, तो हाउ वाज योर MBA? मैडम, इंशाल्लाह आप से पढ़ेंगे दो। इंशाल्लाह। तो ज़ियान हाउ वाज योर MBA? मैडम आपने के जो वीडियोस भेजी थी ना वो मैंने बहुत देखी थी। इसके अलावा मैंने बाय हैंड प्रैक्टिस भी की थी अपने इंस्टीट्यूट जाके ना, तरले वरले करके जरा मांग के। तो पहली बात तो मैडम आप वाली बात है, सुकून से रहें, सुकून से, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं बैठा हुआ वहां पे, तो आराम से पढ़ें। मैंने हर स्टेशन पे सबसे 1 मिनट एक्स्ट्रा मांगा है कि मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ सिनेरियो। सुकून से पढ़ें और सुकून से चीजों को हैंडल करें, एक एक बात आराम से बोलें, जल्दी करने की कोई चीज नहीं है, 10 मिनट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मैंने हर स्टेशन पे बैठ के मुंह तकाया फिर अगले बंदे का, आराम से सुकून से बैठकर एक एक चीज खोलें, आराम आराम से बताएं, जिब्रिश ना बोलें, और अगर टाइम बच जाए तो उसको कसम नहीं खाएं कि नहीं 10 मिनट कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है, अच्छा बोले थोड़ा बोले। तो MBA में स्पॉट डायग्नोसिस था, असेंबल करना था, इंडिकेशन थी, यही कुछ भी बोला पूछा होगा। जी जी मैडम, नहीं मैडम जी जी उन्होंने मैडम, असेंबल हमारे करें जब। लाहौर वालों ने था कि ये बताएं मुझे, इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे तो मुझे इनके नाम बताएं, तो कसकस सबसे पहले कसकस पड़ा हुआ था मैंने बताया, स्पंज होल्डर था भी ना, वो यूट्रस अपनी तरफ से मैंने बना के रखी हुई थी, तो मैंने मैंने कहा ये तो ग्लव टाइप की चीज लग रही है। तो फिर उसके आगे MVA सेट पड़ा हुआ था, तो वो कहती MVA सेट का किस चीज का एब्रिविएशन है, तो मैंने बताया फिर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन।
तो फिर वो वहां से शुरू हुई। अच्छा वैक्यूम कैसे बनाते हैं कि जैसे आपने बोला मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, तो मैंने फिर बताया कि मैडम इस तरह करके बनाते हैं। मैडम उसके वाल्व वन था ना, जो हम लोगों ने देखा हुआ या किया हुआ है प्रैक्टिस में, उसके टू वाल्व्स होते हैं। तो मैंने कहा इसका एक मतलब वाल्व नहीं है, मतलब मैंने ये वाला पहली दफा देखा है ना, तो वैसे इस इन वाल्व्स को पुश करते हैं तो इस तरह करके बनता है, मैंने वैसे करके बताया। और प्रेशर क्रिएट, अच्छा पहले फिर उन्होंने कहा कि इसके पार्ट्स बताओ, नाम बताओ पार्ट्स के ना, तो पार्ट्स के नाम बता दिए सब, जैसे मोटे मोटे पूछे थे, ज्यादा बारीकी में नहीं। मैंने बताया ये वाल्व है, ये सिलेंडर है, ये प्लंजर है, ये तो कहती है अच्छा उसके अंदर वो जो ब्लैक सा होता है वो खोल के मुझे कहती ओरिंग क्या होता है, जी जी रिंग, हाँ जी। तो जी कहती ओरिंग है अच्छा और रिंग पूछे ना, तो फिर कहती है अच्छा चलो सैंपल करो ना, सैंपल किया मैंने, तो कहती चलो अब ये क्रिएट हो गया, अब इसको बताओ कैसे पूरा। फिर मैंने बताया कि मैं काउंसिल का, जैसे वही आपने बातें बताई हुई है, पेशेंट को पहले मैं कंप्लीट बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी, उसकी हिस्ट्री लूंगी, सारी शॉर्ट हिस्ट्री लूंगी, सारा वो करने के बाद मैं फिर गाउनिंग एंड ग्लविंग करूंगी, लाइट को एडजस्ट करूंगी, अपना पेशेंट को करूंगी सारा पूरा प्रोसीजर बता के। कहती है पेशेंट को पेन हो रही फिर क्या करोगी, मैंने कहा मैं अपना प्रोसीजर उधर ही रोक दूंगी, अगर पेशेंट मेरा कहेगा मुझे पेन हो रही है तो कहती तो फिर कंप्लीट नहीं करोगी अपना प्रोसीजर। मैंने कहा मैं पेशेंट को पहले रिलैक्स करूंगी, उसको पेन किलर कोई लगाऊंगी और फिर उसके बाद कंप्लीट करूंगी, और कोशिश करूंगी कि जल्दी अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करूं। और फिर वो सैंपल मतलब करके डिसेंबल करके बताया मैंने ऐसे डिसेंबल करूं, क्योंकि मैम किया हुआ था पहले, काफी की हुई थी ना एमबीए, तो मैं फिर इसको किडनी ट्रे में डाल के तो मैं सैंपल उसको फॉलो अप के साथ पेशेंट को बुलाऊंगी अपने को। तो फिर कहती है अच्छा इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताओ क्या क्या होंगी, किस किस में नहीं करोगी, तो वही कि अप टू 12 वीक्स तक करूंगी अगर कंजेंट कोई नॉर्मली होगी यूट्रस में, फाइब्रॉइड में, और इस तरह से ना। तो वो बस फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने कहा मैडम बस इसमें, कहती हाँ इसमें यही बस थी, यही थी और चीज ना। इम्प्लानन में क्या था? तो मैम इम्प्लेनॉन में वो भी मेरा बहुत अच्छा हो गया था, वो ही उसी तरह ही मतलब जैसे पड़ा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा ये इम्प्लेनॉन है ना, तो कहती कितने अर्से के लिए रखते हैं, मैंने कहा 3 इयर्स के लिए रखते हैं, बहुत सीधी सीधी बातें मैडम। और फिर कहती अच्छा चलो इसको पूरा मुझे करके बताओ कैसे करके करोगी ना इंसर्शन इसकी, तो वो फिर मैंने पूरा करके तो बताया। फिर कहती इसकी मुझे बताओ कि इसमें कौन से वाला होता है, कहती इसमें क्या होता है, मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन, कहती उसके साइड इफेक्ट्स बताओ, तो वही हेडेक, ब्रेस्ट पेन और एब्डोमिनल, और स्पॉटिंग भी माइल्ड रहेगी, और वो सारा उसको बताऊंगी और इस तरह करके। और फिर वो मैडम थोड़ा लूज सा हुआ हुआ था, जाहिर है उसकी सील नहीं थी, तो मैंने कहा मैडम ये थोड़ा लूज है, वैसे ये सील जब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो फिर इसकी सील ब्रेक करते हैं तो वो इंसर्ट हो जाता है, फिर जब निकालते हैं तो पहले उसको देखते हैं जो के अंदर चला गया है, फिर पैल्पेट करते हैं, तो फिर बस फिर बैठ के उसकी शक्ल मैं देखूं, वो मेरी शक्ल देखे, मतलब लेकिन स्टेप्स टाइमली करवाए थे मैम ना, स्टेप्स करवाए थे पूरे, क्या? हाँ जी मैम पूरे करवाए थे एक एक चीज। पहले मैंने स्वैब से बाजू को वही उसी तरह मैंने कहा साफ करूंगी, डॉट्स लगाऊंगी फिर साफ करूंगी, उसके बाद फिर मैं उसको सारा लाइट्स वगैरह देखूंगी, पेशेंट को लाई करवाऊंगी उस पे काउच पे, उसकी बाजू को एक्सटर्नली रोटेट करूंगी, मीडियल कोंडाइल के 8 to 10 सेंटीमीटर, मीडियल एपिकोंडाइल के 8 to 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट को अपने डॉट लगा के उसको मार्क करूंगी पूरा मैम कंप्लीट उसको, एक एक चीज मतलब उन्होंने जैसे। और शोल्डर और फिर डिस्ट्रोशिया बीच बीच में शोल्डर डिस्ट्रोशिया में भी इसी तरह मैम, वो मतलब उठ के एग्जामिनर आके देख रही थी मुझे, कहती ऑल फोर में क्या में? करोगी, बस एक क्वेश्चन उन्होंने किया था ऑल फोर में क्या करोगी, एकदम से तो मैडम मुझे लगा ऑल फोर में क्या करते हैं, मैंने कहा सारे वो जो मैनोवर्स मैं पहले कर चुकी हूँ उन सबको मैं रिपीट करूंगी, और बस जो डिस्ट्रक्टिव थे उनके सिर्फ नाम पूछे थे कि डिस्ट्रक्टिव मैनोवर्स कौन से होते हैं उनके नाम बता दें, और बस ही पूछा था और उसमें कुछ भी नहीं पूछा था, वो तो मैडम चार स्कैनिंग मिनट वगैरह में नहीं खत्म पूछा हो गई। कुछ भी कि भाई नहीं क्या नहीं कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं पूछा, बस यही था उसमें सिनेरियो ऐसे बना हुआ था कि आपके एक हाउस ऑफिसर है और वो कर रही है PG-1 है और वो डिलीवरी कर रही है, हेड डिलीवर हो गया, शोल्डर स्टाक हो गया, प्राइमरी ग्रेविडा थी ये शायद था वो। सिनेरियो ना। हाँ जी प्राइमरी ग्रेविडा थी, और कोई उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं पूछी उन्होंने, पूरा मैंने एपी को भी स्टिच किया, लेसरेशंस को भी किया, पेशेंट को रिपोजिशन किया,
और मतलब एक एक स्टेप को, मतलब पेशेंट को घर पहुंचा के वापस आई। जी और लेबर बोर्ड में क्या थे, एक तो आई थिंक मैम नर्वस हाई रप्चर था, एक टॉपिक था और एक नर्व। रप्चर्ड था मैम, एक एक टॉपिक रप्चर्ड था मेरा, जो सबसे पहले मैंने बनाया कि एक टॉपिक रप्चर है, तो दूसरा मैम थी रप्चर्ड यूट्रस थी, और मैम तो दाई तीसरा जो हैंडल था थी, दाई हैंडल था। हाँ जी दाई दाई हैंडल था हैंडल उसका भी मेरे फाइव से उन्होंने, सेंटीमीटर वो ऑब्स्ट्रक्टेड थी जी लेबर। जी जी मैम ऑब्स्ट्रक्ट, उन्होंने मैंने तो मैडम ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड ही था, उन्होंने बनाया मेरे था से उसमें। पूछा था कि इसकी तुम इंसिजन कहाँ पे दोगी, मैंने कहा मैं थोड़ी अबव दूंगी हायर क्योंकि दूंगी। मैम इसमें ब्लैडर इंजरी का बहुत ज्यादा रिस्क, क्योंकि डिस्टेंड हुई होती जो, मतलब जो लोअर सेगमेंट मेरा थिन आउट भी होगा, और उसमें उसको मैं इंसिजन ऊपर दूंगी। कहती अच्छा फिर फॉलिस को क्या करोगी उसको, मैंने कहा मैडम मैं उसको 72 आवर्स तक डाल के रखूंगी, और फिर मैं उसको घर जाने से पहले असेस करूंगी कि अगर हुआ तो फिर उसको घर भी डाल के भेजूंगी, नहीं तो मैं 72 आवर्स के लिए तो उसको जरूर डालूंगी कॉलेज। अच्छा हो गया, मतलब लेबर बोर्ड भी, और उसने हाँ जी SRPS, जी उसने आई थिंक रप्चर यूट्रस में ट्रांसवर्स लाइन रिपेयर करना होगा, आपने एक टॉपिक किया होगा, और जूनियर वन ने जी आई जी थिंक प्राइमरी ये जो हाँ जी ऑब्स्ट्रक्शन इसी तरह था, ये तो बहुत जी। इजी बोर्ड देखा होगा। पर ठीक अच्छा है, मैम जो गायनी बोर्ड वाली थी ना, मैं कहूँ मैं कंसल्टेंट, कहती तुम कंसल्टेंट हो, तुम कल कंसल्टेंट होगी, तुमने करना है, कंसल्टेंट को अच्छा क्यों बुला रही हो। मैंने कहा नहीं मैम मैं अकेली नहीं कर सकती, मैं तो कितने थे यूरोलॉजिस्ट को पेशेंट्स थे, बुलाऊंगी, पोस्ट यूरेटर ऑप राउंड रिपेयर था शायद ये करवाऊंगी। गायनी बोर्ड था। जी मैम वो पोस्ट ऑप था, एक था सबसे पहला था कि उसकी वो हुई एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उसकी हुई है, तो क्या लैप्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी ना। हाँ जी तो मैंने कहा इसमें ब्लैडर और ब्लैडर इंजरी और यूरेटर इंजरी, यूरेटर ज्यादा है ब्लैडर कम है, तो यूरेटर इंजरी हो गई है। तो पहले तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सारा चेक करूंगी, उसका इनटेक आउटपुट देखूंगी, फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा उसका फॉलिस कैथेटर चेंज करूंगी, उसको ऑब्जर्व करूंगी कि ये चीजों की वजह से तो नहीं उसको एन्यूरिया हो रहा, तो फिर उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद मैं उसको उस तरफ लेके जाऊंगी असली रिपेयर इंजरी की थी या तरफ, एंडोमेट्रियल यूरेटर पे यूरेटर इंजरी थी, क्या बनी थी एंड? यूरेटर इंजरी थी, मैंने यूरेटर इंजरी बोला था। काफी कहती लोगों को कैसे यूरेटर करोगी यूरेटर, पर, हाँ काफी लोग वेस्कुलर करके आए हैं वैसे ना। अच्छा नहीं मैम मैंने यूरेटर इंजरी बनाई, मैंने उन्हें कहा मैं यूरोलॉजिस्ट को बुलाऊंगी, तो कहती खुद नहीं करोगी रिपेयर, मैंने कहा नहीं मैम मेरी डोमेन ही नहीं है, मैं यूरोलॉज तुम क्या बात है, कंसल्टेंट हो। ये तो हिस्टेरेक्टोमी वाली का यूरिन आउटपुट कम था ना, थिंकिंग हुई थी शायद उसकी, समथिंग लाइक दैट। नहीं हाँ मैंने जी, किंकिंग में डिफरेंशियल बताए थे कि किंकिंग हो सकती है, ब्लैडर इंजरी हो सकती है, तो उसको यूरिटर क्या था इंजरी हो हिस्टेरेक्टमी सकती के है बाद जिसको लो आउट मैम, होता है वेस्कुलर? वेस्कुलर वो अच्छा उसका डायग्नोस्टिक हेमाटोमा, आई लेप्रोस्कोपी। गॉट इट। हाँ, जी ओके मैम ओके, डिस्कस कर रहे डायग्नोस्टिक थे। हाँ लेप्रोस्कोपी हुई है जी तो क्या होगा जी इसमें, तो मैडम एकदम मैंने तो परफोरेशन बोल दिया कि कोई परफोरेशन हो गई है उसकी ना। कहती कैमरे में देख रहे हैं सामने, तो कैसे परफोरेशन हो गई है, तो मैंने कहा मैडम चांसेस तो हैं कि हो सकती है, तो फिर कहती कलेक्शन है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है पेशेंट, तो क्या, तो एकदम से मैडम बस वो वाकई आपकी बात के अल्लाह फिर मुंह से निकालता जाता है। तो मैंने कहा मैडम कोई वेसल इंजर होगी, हाँ तो फिर ऐसे बोलो ना कि वेस्कुलर इंजरी है इसके डायग्नोसिस, डायग्नोसिस पूछ रही थी, पहले डायग्नोसिस बताओ फिर मैनेज करो। और थर्ड केस इस पे कौन मैम सा? ध्यान नहीं था, सबसे पहला ये थर्ड था, सबसे पहला मेरा ख्याल है वो मैम मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, डीएनसी हुई है तो अब बहुत हैवीली ब्लीड कर रही है, तो मैंने तो मैडम उसको परफोरेशन बनाया है, तो वो मेरी दोस्त जो है आसमा लियाकत जो, वो कहती कि मैंने बताया था कि आरपीयूसीज हैं तो मैनुअली रिमूव करूंगी और वो सारा, क्योंकि हैवीली ब्लीड कर रही है, हैवी ब्लीड मैंने में आरपीसी परफोरेशन पहले, आरपीसी जी जी पहले, परफोरेशन में नहीं पेन मैम मैंने ज्यादा आरपीयूसीज नहीं बोला था, मैंने कहा था परफोरेशन है तो मैं इसके लिए प्रोटमी करूंगी, तो लेकिन इस तरह ना से था। फाइमा, इन दैट सेंस यू आर सेफ कि ना, जब भी हम आरपीओसी या सर्जिकल मिसकैरेज करते हुए हैवी ब्लीड हो या परफोरेशन का डाउट भी हो ना, तो लैप्रोस्कोपी मस्ट होती है एक्सक्लूड करने के लिए। तो जी मैम हाँ, जी, वैसे मैडम लेकिन मैंने भी परफोरेशन ही बोला था, और फिर आप वाली बात बोली थी अच्छा कि नीचे से भी निकालेंगे उसको, कैमरा डाल के फिर नीचे से निकालेंगे आरपीओसी को। नहीं मैंने आरपीओसीज मेरे नहीं, मैं नहीं बोले आरपीओसीज ना, मैंने मतलब इसी तरह सेम जैसे आपको बता रही हूँ ना इसी तरह ही उनको सेप्टिक तो मतलब नहीं थी क्या? बताया। सेप्टिक मिसकैरेज तो नहीं था, मतलब सिर्फ ब्लीडिंग ही ज्यादा नहीं नहीं थी। मैम वो फर्स्ट फर्स्ट पोस्ट पोस्ट ऑप बस इतना मतलब था कि मिस्ड अबॉर्शन है,
तो मिस्टर वॉशन की वजह से उसकी की है, तो फर्स्ट पोस्ट ऑप 8 आवर्स के बाद आपका राउंड ने राउंड किया है, तो इस तरह करके पेशेंट हैवीली ब्लीड कर रही है और एब्डोमेन टेंडर है इसमें भी। मैम मुझे ऐसी भी आई, मैंने कहा मैडम ये तो तीनों ही इतनी कोई हाई फाई किस्म की वो इमरजेंसीज है ना, तो तो फिर आपने जो सीरियस केस था उसको किसको दिया था, लाइक मैम ये नहीं उन्होंने एंडोमेट्रियल? पूछा, अच्छा, ये मैंने ऐसे ये नहीं उन्होंने पूछा, उन्होंने उसमें लेबर बोर्ड में पूछा था किसको देंगे, तो इसमें नहीं पूछा था। इसमें उन्होंने कहा था आप कंसल्टेंट हैं आपने करना है, लेकिन मैं तीनों स्टार्ट आपने उधर से करने हैं, लेती थी। आपने हाँ डायग्नोसिस जी, मैं करना था और इन्वॉल्व कर मैनेजमेंट करनी थी। डायग्नोसिस करना था और मैनेज करना था कि मैं कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करूंगी, नेस्थेटिस्ट को, ब्लड बैंक को, रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके पहले मैं असेस करके फिर उसके बाद मैं अपना प्रोसीजर करूंगी, और अटेंडेंट से कंसेंट वगैरह भी लूंगी, उनको सिचुएशन बताऊंगी, कंप्लीट सिचुएशन और कंसेंट लूंगी और इस तरह करके चली थी। तो मतलब मैम डोमेस्टिक वो प्रॉपर जिस तरह आप वायलेंस कहती थी कि मतलब जैसे आप लोग करते हो ना अपने उधर करते थे ना, बस अगर उन चीजों को भी बता दोगे ना तो आप लोग सेफ हो, तो बस जैसे मतलब अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो करते थे तो उस तरह ही। मैम क्लैम्पशियर ड्रिल भी थी, एक्लेम्पशिया प्रोटोकॉल मुझे बताया स्टूडेंट्स ने कि मैडम ये ड्रिल क्या ड्रिल ड्रिल। हाँ जी, उन्होंने कहा क्लैम्पशिया पेशेंट है, क्लैम्पशिया की तो क्या करेंगे, अब पेशेंट आ गई है क्लैम्पशिया है उसको, तो उसको क्या करेंगे। फिर पहले सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आ गई आप क्या करोगी, तो मैंने वही ABC वाला किया पहले, सबसे पहले कि वंस क्लैम्पशिया डायग्नोज्ड आई विल कॉल फॉर हेल्प, आई विल असेस ब्रीथिंग, एयरवे ब्रीथिंग एंड टू वाइट बोर कैनलास, तो आगे मैं बोलने लगी कि आई विल कंट्रोल हर सबसिक्वेंट फिट्स, तो कहती है कि नहीं बस अभी इतना तक ही रहो। फिर मुझे कहती है अच्छा अब उसके बाद क्या करोगी, मतलब वो फिर उनके वो होगा ना कि नेक्स्ट में ये कमांड होगी कि पहले क्या करोगी तो बाद में, मतलब जैसे कैसे फिट्स को कैसे कंट्रोल करोगी, तो वही वाले कि मैग्नीशियम सल्फेट दूंगी, फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करूंगी, और अगर लबिटालॉल से अगर वो नहीं है तो हाइड्रोलाजिन से, और फिर मैं उसके उसको स्टेबल करके फिर मैं कहती टर्म की पेशेंट है, जब उन्होंने मुझे बोला ना मैंने कहा कहती टर्म की पेशेंट है तुम्हारे पास ना, तो बड़ी वो मतलब जैसे मैम शायद चीजों को ना सीधा मतलब सीधी सीधी थी चीजें ना, कोई ये नहीं हुआ कि बस मुझे वो प्री टर्म पे मैं थोड़ा सा हुई थी कि मुझे वो जो PA 32 का था पहले मुझे अब्रप्शन लगी कि अब्रप्शन हो गई है जिसकी वजह से पीए उसका मतलब कैसे था थोड़ा ज्यादा आ प्रेजेंटेशन, रहा। क्या थी ये? स्ट्रक्चर डिस्कशन थी ना मैक्सिमम, तो स्ट्रक्चर डिस्कशन थी ना, मतलब ये मैम भी ऐसा स्ट्रक्चर था। डिस्कशन टाइप नहीं उन्होंने हमसे कुछ भी सुना कि मतलब जिस तरह एकदम शुरू ही हो पेशेंट जाए ना। एक्चुअली आप थे और एग्जामिनर था ना, इसी को कहते हैं इस डिस्कशन। जी, अच्छा हमें हमें वो स्ट्रक्चर डिस्कशन वही थी ना कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट और वो उधर से बस फिर शुरू हो जाना था, मतलब इस तरह क्वेश्चंस थे उनके पास ना कि क्या करोगी क्लेम्शिया का आ गया है तो अब क्या करोगी, आते साथ पहले ये सबसे क्वेश्चन पहले आपने तुम्हारी पढ़ने मैनेजमेंट थे या की। एग्जामिनर आपको खुद बता रहा था कि ये नहीं सिनेरियो है, नहीं ये मैम चीज, लिखे हुए थे टेबल के ऊपर लिखे हुए थे क्वेश्चन ना, ये स्ट्रक्चर टेबल डिस्कशन थी, लाइक जैसे जी आप एग्जामिनर के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। जी। और मैम फिर डोमेस्टिक वाइल वो जो मैम ये था ना हाइड्रोकेफलस, मैं तो मैम मैंने ना एक्चुअली मैंने इम्पोर्टेंस वो है थे ना, अभी अभी तो हम इक्लेम्शिया पे थे, वो हो गया मैनेज, हाँ ठीक है। जी अब हम जी आ गए प्रीटर्म लेबर पे। प्रीटर्म लेबर हाँ में जी क्या सिनेरियो था? मैम प्री टर्म लेबर में ऐसे था प्राइमरी ग्रेव्ड है, 31 वीक्स पे है, कॉल की पेन है उसको और बहुत उसका एब्डोमेन टेंडर है और कोई ब्लीडिंग कोई लीकिंग नहीं है, और मैम साथ में पता है उन्होंने क्या दिया हुआ था कि ये UTI की तरफ भी ना जाए ना, तो कोई उसको बर्निंग मैचुरेशन नहीं है, कोई उसको इंक्रीज फ्रिक्वेंसी नहीं है, वो सारा UTI के बताए हुए थे, तो वो एकदम मैंने कहा मतलब कॉल की पेन मैम कॉल की पेन बोलेंगे मतलब कभी वो लेबर पेन को कॉल की पेन की तरह मतलब सुना नहीं था या मतलब मेरे माइंड में नहीं थी ये चीज कोलिक भी होता है इतना। वैसे, ऑर्गन हॉलो ऑर्गन जिस तरह से होते हैं, चाहे गट के हों चाहे यूट्रस के, कोलिक की जी इंटरमिटेंट। जी चलो कोई तो बात वो मैडम बाद में जब मेरा वो खत्म हो गया ना तो नहीं। उन्होंने फिर वही क्वेश्चन मतलब एकदम से मुझे थोड़ा सा हुआ, फिर उन्होंने खुद ही बताया कि ये प्री टर्म लेबर है, कि मुझे कहती डायग्नोज करो, मैंने कहा मैडम एब्रप्शन, कहती ऐसे बड़ी बुरी सी शक्ल बनाई, तो ये जैसे मुझे लगा था कि मेरा नहीं अच्छा हुआ ना, तो
फिर वो कहती कि ब्लीडिंग के साथ प्रीटर्म नहीं, लेबर करप्शन नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं थी मैडम, मैंने दो तीन दफा पूछा कि मैडम ब्लीडिंग है, मुझे कहती इसके बाद तुम एग्जामिनेशन क्या करोगी। मैंने कहा मैडम इसका पर्सपेक्लम करूंगी, मैं देखूंगी कि उसकी सर्विक्स मतलब ब्लीडिंग तो नहीं है, लीकिंग तो नहीं है, और सर्वाइकल डायलिटेशन तो नहीं हो रही। तो कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मतलब अभी सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं है। अच्छा ये एग्जामिनेशन पे तुम अब आगे देखोगी। मैंने कहा जी मैम मैं यही देखूंगी चीजें ना। फिर कहती अच्छा पोस्ट डायलेटेड नहीं थी। नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने अपना मतलब ये यहाँ तक पूछने के बाद ना कि पीए तो हो गया है, तो अब उसके बाद तुम और एग्जामिनेशन क्या करोगी। तो मैंने कहा मैडम मैं स्पेकुलम एग्जामिनेशन करूंगी। फिर मुझे कहती अच्छा बिशप उसका 5। मैंने कहा बिशप देखूंगी मैडम। वो कहती मुझे बिशप बताओ क्या होता है। मैं उसी में फंसी हुई थी कि मेरे से डायग्नोसिस नहीं हुआ तो शायद मैं ये केस को मैं गलत कर जाऊंगी ना। एकदम से मैडम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, बिल्कुल ऐसे लगा मुझे कि बस मेरे पहले इतने अच्छे हुए हैं और मेरा ये बस बस इस पे ना मैं नहीं। तो मैंने वही आपकी बात को मेरे जेन में लाई कि प्लीज मैडम गिव मी फ्यू मिनट्स ना। तो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, हाँ हाँ रिलैक्स रहो। तो फिर जैसे मैंने फौरन ही ना मैंने कहा जी मैम अब स्टार्ट करें। तो कहती है अच्छा उसका बिशप 5 है, -2 पे उस पे +2 पे स्टेशन है, तो क्या करोगी। तो मैंने कहा मैडम मैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करूंगी ना। कहती क्या लगाओगी। मैंने कहा मैडम क्या ओवरऑल तो टर्म के पेशेंट पे मेरी जी मैम हुआ था, मतलब फुल्ली हो गई थी फिर वो सिनेरियो में, फुल्ली बना दिया था जी जी उन्होंने मैम, उन्होंने फुल्ली। पूरा हाँ जी सीवी फुल्ली, के उसके बाद ना फौरन उन्होंने बाद कहा था फुल्ली कि कर दिया था, फुल्ली हो गई है। फुल्ली कर दिया था पेशेंट ना। तो कहती हैं ये 3 घंटे बाद आपने कि देखा है। हाँ मुझे उन्होंने ऐसे ही बोला था कि अब उसका मैंने जब बोला ना कि बिशप देखूंगी तो अगला उनका सवाल ये था बिशप क्या क्या बिशप पे देखोगी। तो मैडम मैं बिल्कुल उस टाइम पे थोड़ी सी ना ऐसे मैंने कहा प्री टर्म किस तरफ मैं इसको लेके चलू ना, तो मतलब मुझे ना थोड़ा सा ऐसे ना मैं थोड़ी सी होगी ना। लेकिन फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने जैसे थोड़ा जितना भी जैसे आपको बोला है इसी तरह टाइम लेके। तो मुझे कहती है अच्छा बिशप पे बिशप उसका 5 बिशप है और जैसे उसके बाद अभी +2 पे है, तो तुम क्या करोगी इसको कैसे डिलीवर करोगी। मैंने कहा मैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करूंगी और मैं लगाऊंगी इसको वो फोर्सेप। तो कहती है क्यों वैक्यूम पहली चॉइस होती तो वैक्यूम क्यों नहीं। मैंने कहा जी मैम वैक्यूम पहली चॉइस होती लेकिन मैं इसको प्री टर्म को वैक्यूम नहीं लगा सकती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो फिर जैसे मुझे लगा कि अच्छा चलो मैं इसके सवालों के जवाब दे रही हूँ। फिर मुझे कहती है अच्छा उससे पहले मैडम कहती उससे क्या करोगी टोकोलिसिस कैसे करोगी। मैंने कहा नेफेडिपिन से करूंगी। कहती है अच्छा डोज पूछी उसकी। फिर कहती है अच्छा न्यूरो प्रोटेक्शन कैसे करोगी। मैंने कहा मैग्नीशियम सल्फेट दूंगी। और फिर उसके बाद कहती है अच्छा डेक्सा कितना दोगी इसको। मैंने कहा मैडम मैं 12 mg दूंगी 12 hours अपार्ट ना। और फिर उसके बाद कहती है अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने वो क्वेश्चन किया कि अच्छा चल साइमन आवाज चली गई है। अच्छा जयान आप कंटिन्यू कर लो। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी मैडम, साइमा आ गई है लेबर मेरे बोर्ड साथ। पूछा, लेबर बोर्ड पूछा। मुझे कहती लेबर बोर्ड में बच्चे को कैसे असेस करते हैं। तो मैंने कहा मैडम फीटल हार्ट देखते हैं और वही 110-160 के दरमियान नॉर्मल होती है, 100 से लेस होगी और 160 ज्यादा होगी तो अलर्ट होगा, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन देखते हैं। तो बस मुझे कहती ठीक है बस। फिर मैं उनको देख रही थी, वो मुझे देख रही थी। ध्यान आंख मुझे में कहती कैसा हुआ जाओ था पानी इसमें पियो, मुझे कहती जाओ पानी मैडम। पियो। मेरा भी अच्छा गया था अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीटर मैडम बस वो अल्लाह की तरफ से आ गया कि मैंने पहले प्रीटर भी बोला था, फिर उन्होंने कहा पीए है क्या करोगी। मैंने पहले मेरे भी मुंह से पीएस निकला जिसमें उन्होंने बहुत गंदा सा मुंह बनाया, पता नहीं क्यों हम सब पीएस बोल रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं जनरल आपको एग्जामिनेशन जल्दी करूंगी थी ना उसको बिशप डायलेटेशन देखूंगी। देखने की, इसलिए डिफरेंट। तो बस उसके बाद उन्होंने पूछा क्या क्या करोगी। मैंने कहा मैडम असल में आपका ना थ्योरी कोर्स मैंने मैडम अकबर लिया हुआ था, मेरे सारे स्टेशन से मैडम वो ऐसे साई की तरह मेरे पीछे रहा है। बस मैंने वो याद किया, मैंने कहा न्यूरो प्रोटेक्शन दूंगी, स्टेरॉइड लगाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर उन्होंने कहा 3 घंटे हो गया फुली हो गई है अब क्या करोगी। तो बस मैंने भी ये कहा कि अब वैक्यूम तो लगा नहीं सकते, व्हाट्सएप लगाऊंगी, पीडियाट्रिशियन को कॉल करूंगी, बच्चे का अबगार देखूंगी, बेहतर होता है तो माँ को, वरना पीडियाट्रिशियन को फौरन दूंगी, मैनेज करूंगी, काउंसिल करूंगी कि
टर्म बचा हुआ है, फोर्सेप्स भी लगे हैं, तो नीको में एडमिशन के चांसेस हैं, और बेथेटिक अप्रोच और ये वो, और फिर रूल आउट करूंगी कि क्यों प्राइम ही गई है, प्राइम ही थी मेरे ख्याल से ये भी। एक्सलेंट, आपने शायद हाँ ये ज्यादा मेरे से भी देखी। पूछा था कि आप उन्हें क्या बताएंगे अटेंडेंट्स को कि क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें कहा कि टाइम से पहले बच्चे की पैदाइश हो गई है, तो ये रिस्क है बच्चे में, मतलब यही जो रेस्पिरेटरी और ये सारे वो भी बताए थे। तो इससे पता है क्या साइमा सबक मिलता है ऑब्वियसली आने वाले कैंडिडेट्स को, कि एक स्टेशन अगर खराब हो भी जाए तो जी मैम वहां मुझे ये पिकअप मेरा नहीं खराब करना, लगा था तो आपने जी। बाकी स्टेशन पे कंपनसेट करना है जैसे आपने हाँ किया है ना, तो एक मैम उसके बाद स्टेशन। मेरा इम्प्लिन ऑन था जी, वो बड़ा अच्छा किया। फिर डोमेस्टिक वायलेंस था, डोमेस्टिक वायलेंस में वो क्या भी बड़ा करना? अच्छा किया मैम। डोमेस्टिक वायलेंस पे इस तरह शुरू हुई थी कि वो इंजरीज थी उसको बहुत ज्यादा, पेशेंट को उन्होंने बताया था कि इंजरीज है बहुत ज्यादा पेशेंट को ना, और ब्लीडिंग भी हो रही है माथे से और इस तरह करके, तो वो बैठी हुई है ना, तो फिर मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा पूछने के बाद, अच्छा ये आपको क्या हुआ है, आपको कोई चोट कैसे लगी है? कहती मैं गिर गई हूँ। मैंने कहा अच्छा गिरने से बेटा इतनी ज्यादा चोटें तो नहीं लगती, वो तो एक जगह पे चोट लगेगी आपको अगर फिसलेंगी तो, घर पे कोई और नहीं था जब आपको चोट लगी थी? तो कहती नहीं मेरा मियाँ था। तो मैंने कहा उन्होंने मतलब नहीं आपको देखा या इस तरह चोट कैसे, आप मुझे बता सकती हैं, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हैं, आप मैं आपकी बात को मतलब अपने तक ही रखूंगी और आप मतलब मुझे बताएं। तो कहती फिर वो बताने लगी कि मियाँ ने मारा है और इस तरह से। तो मैंने कहा कि आपके मतलब घर वालों को पता है इस बारे में, इल्म है उनको, वो जानते हैं आपके कि इस तरह से आपका शोहर आपको मारता है, या वो उनके घर वाले, लड़के के घर वाले जानते हैं? तो वो कहती नहीं, उसने मियाँ ने कहा है किसी को नहीं बताना, अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने फिर उसे कहा कि नहीं आप डरे नहीं, आप परेशान नहीं हो, रिलैक्स रहें, पानी पीना चाहेंगी मैं आपके लिए पानी मंगवाऊं? वो कहती नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बस आप मुझे कुछ मशवरे दें। तो मैंने कहा हाँ मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान लॉ में भी इस तरह की है, 5 में से 4 औरतें इस तरह की सिचुएशन में होती हैं, तो आपको मैं कुछ नंबर्स देती हूँ, और इस तरह से पहला तो मशवरा ये है कि आप अपने घर वालों को शामिल करें, उनके घर वालों को शामिल करें, मिलके बात करें, तो ताकि आपके मसले का हल निकले, उनसे पूछ, आप अपने शोहर से बात करें कि वो क्या चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। फिर उसके मियाँ का पूछा नशा वशा तो नहीं करता, आपके बेटे को तो नहीं मारता, एक बेटा था उसका ना, तो ये नंबर्स हैं, अपना एक बैग तैयार रखें, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको दाखिल भी कर सकती हूँ, अगर आपकी जान को खतरा है तो फिर मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकती हूँ। तो इस तरह ये सारी चीजों को लेके चली थी, ये अच्छा हो गया था मैम बहुत ओवरऑल, ब्रेड मतलब हो एग्जामिनर ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया था कि अच्छा ये आप क्या अच्छा था, करोगी ऐसे ही करना था। और जी ये मैम। बैड ऑप्स का ये तो बड़ा अजीब सा था, मतलब कोई कहता डायबिटीज है, मैम मैंने वो हाइपरटेंशन लेफ्ट भी आ रहा है, वेंट्रिकल को, मैं प्लेटलेट ना कम है जी, कौन सा वाला मैम, जिसमें बैड ऑप्स की हिस्ट्री थी, क्लिनिकल केस था ना, पेशेंट थी मैम आईटीपी। क्लिनिकल, मैंने तो उसको IUGR ही बनाया, मैंने तो ना मैंने तो ना उसको IUGR की तरह ही लेके चली, क्योंकि मैडम मैंने जब पेशेंट को देखा, पेशेंट कहती मेरी LMP है 6 अप्रैल, तो मैं तो वो व्हील लेके साथ ही गई हुई थी, वैसे 6 अप्रैल के हिसाब से तो मैडम व्हील वो लेके जाने बने दी थी थी ऐसा जी व्हील जी हाँ तो जी, मैंने बैक उनके जी सामने ही मैडम, मैंने प्लीज आने की देखा था, इजाजत। मैं बोर्ड भी लेके गई थी, इंची टेप भी लेके गई थी, और मतलब वो जैसे अपना साथ साथ मैडम मैं हर स्टेशन पे ना लिख रही थी अपना ना नोट, मतलब चीजों को ना, वहां पेजेस पड़े तो हुए थे आप लोग अपने नहीं साथ मैम साथ? अपने लेके गई थी, मैं अपना बोर्ड अपनी पेंसिल हर अच्छा चीज मैडम, अपनी हमारे लेके गई। तो पेजेस पड़े हुए भी थे लेकिन हम फिर भी एहतियात बतौर अपना लेके गए थे। नहीं नहीं मैडम मैं अपना लेके गई थी मैडम, मैं तो वैसे शायद बात किसी आपकी स्टेशन सही से है कि पेन आप उठा भी दिया था ढूंढते और रहो, वापस भी नहीं दिया। कि आप ढूंढते रहो, आप मतलब चीजों को ढूंढते रहो तो आपको मिलेंगी नहीं, तो आप क्या करोगे, इतना टाइम चला जाएगा। मैडम मैंने 5 मिनट में ना उसे हिस्ट्री ले लो के मैडम मैं बैठ गई थी, एग्जामिनर ऊपर देख के खड़ी हो मतलब बास खड़ी हो के देख रही थी ना, मतलब पेशेंट के हेड साइड पे, तो PA पे मैडम, PA उसका था 30 वीक्स का, लेकिन ये था कि मैंने उधर जाके ना उसको 32 बताया था जो हिस्ट्री समराइज करके ना, क्योंकि मैडम 37+ और 30 वीक्स बहुत थोड़े बन रहे थे, और पेशेंट मैम हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी पेट को ना, तो मैंने वैसे बताया था कि मैडम वो हाथ नहीं लगाने, क्या हिस्ट्री और है, फिर क्या कंप्लेंट किया थी? मैम प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसकी ये थी कि मुझे ना मतलब मैं बस चेक करवाने आई हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आई हूँ,
तो मैंने उसे पूछा आप बाकायदगी से चेक करवा रही हैं, आपको डॉक्टर ने बताया नहीं कि आपका बच्चा छोटा है? हाँ मुझे बताया, उन्होंने कहा है कि आपका बच्चा 32 हफ्ते का आ रहा है। तो मैंने कहा फिर उसके बाद कोई और अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ? कहती नहीं बस नहीं अभी सर, यही मैं हुआ बोल है। रहा तो हूँ उन्होंने, समझ नहीं आई इस पेस की। आप गई, पेशेंट बैठी हुई थी, आपको कमांड मैं मिली कि लेटी हुई ये थी, मैम लेटी हुई थी, पेशेंट है, प्राइमरी बिस्तर पे ग्रेविडा है एग्जामिनेशन करें। जी मैंने मैम, आपको केक कह रही हूँ कि फॉर अगर मैं एंटीनेटल विजिट, मैम पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा फॉर एंटीनेटल, यही बस कमांड थी। यही अच्छा कमांड थी हमारा मैम। तो ये नहीं था, हमारा तो अच्छा पेशेंट हमारा लेटी हुई ये, थी और वो हाँ थी हाँ बैड्स ऑफ हिस्ट्री थी उसकी, एक उसकी एनएनडी थी नहीं और एक नहीं उसका आईयूडी था, और नहीं दोनों नहीं में हमारा नहीं उसको था। जीडीएम डायग्नोस हुई थी, लेकिन आगे उसने उसके बाद किया नहीं था, यानी प्रेगनेंसी हाँ नहीं, के हमारा बाद लाहौर में फॉलो भी अप। ये नहीं था। और अभी वो एडमिट थी 2 दिन से, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बोलने दिया, तो उसने मुझे, अच्छी पेशेंट थी, उसने मुझे बता दिया कि मैं तो एडमिट हूँ, मेरी तो इंसुलिन लग रही है। अच्छा हमारी तो इतनी औखी मरीज बैठती थी ना, लेटी हुई नहीं थी, बेचारी बहुत अच्छी लेकिन मरीज थी, ये अल्लाह उसे शिफा दे। अच्छा। हाँ तो काम मैम में है फिर, एक क्लिनिकल केसेस डिफरेंट थे हर सेंटर पे। हाँ जी आप आपने बताया था कि क्लिनिकल डिफरेंट होते हैं। आपका कितने बजे था ध्यान? मैं डॉक्टर सुबह थी। अच्छा मॉर्निंग, अच्छा हमारा भी मॉर्निंग में ही था। तो मैडम मैंने तो आईजीआर बताया, तो वो जो थी ना जिनको मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन, मैडम उन्होंने सारी चीजें मुझे नॉर्मल दी। तो मैंने कहा फिर मैडम ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स छोटे होंगे हाइट के, तो कहती बड़ी चेकिंग ऐसे, डेट्स, अच्छा चलो मैनेज कैसे करोगी? चेकिंग मैंने कहा डेट्स मैडम क्या मैं उसको, जी था मैम आपको, मैम मिस्टेकन? बीपीडी मुझे कहती 9 है और फीमेल लेंथ 7 है, एस्टिमेटेड फीटल वेट 2.7 है और लाइकर एडिक्यूट है। तो मैंने कहा रानी मैडम फिर कैसे, पीए क्यों कम आ रहा है? रानी ने ज्वाइन किया है और इन्होंने भी पास किया एग्जाम। रानी कैसी हैं आप? हेलो रानी, मैम काफी लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं लेकिन नेट इशू आ रहा है, वो जिले का भी मैसेज मुझे आया है कि मैडम को हाँ बताओ कि मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ लेकिन मेरा नेट नहीं काम कर रहा। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। जिले में ज्वाइन करना भी था, मुझे कहा था मैंने आना है और मैंने बताने हैं अपने केसेस और अबाउट द कोर्स। वही ठीक बेचारी मुझे चलें काफी कोई मैसेज बात कर, नहीं, मैं जब बाद में फोन पे बात कर लूंगी। तो जी मैम साइमा ज़ियान एंड अभी रानी ने भी ज्वाइन किया आई थी। रानी आपका माइक सही नहीं है शायद, उनका माइक का मसला था। तो ये सही हो गया, मतलब ये क्लिनिकल केसेस तो वैसे हलवा ही होंगे तुम लोगों के लिए, है ना? मतलब जी मैम लिटरली मैंने, मुझे कहती है अच्छा तुम कहाँ तक इसको लेके जाओगी? मैंने कहा मैं टर्म तक लेके जाऊंगी, प्राइमरी ग्रेविड है। तो कहती है अच्छा कैसे फिर करोगी? मैंने कहा स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करूंगी, नहीं गी लेबर में। तो मैंने कहा फिर मैडम मैं डॉपलर फोर्टी करवाया वन था वीक्स इसका, पे इसको ना, जी डॉपलर करवाया था इसका? मैम सारा कुछ मैंने, हाँ जी मैंने सारा वो बोला जो आईजीआर किया आपने, कि मैं इसको ऐसे मतलब वही पहले काउंसिल करूंगी, सारा मल्टीडिसिप्लिनरी को इन्वॉल्व करूंगी, समझ नहीं आई कि पेडिटिशियन। आई आर और व्हाट वाज हर डॉपलर। मैम वो कहती है अच्छा, वो बाद में जब मैं बैठ गई ना करके, तो मुझे वो मैडम कहती है लीकिंग का आपने पूछा था? मैंने कहा मैंने मैडम 3 दफा उससे पूछा है कि आपको कोई पानी तो नहीं पड़ा, आपको कोई पानी तो नहीं पड़ा, तो पता मतलब नहीं एक चीज में मैडम वो, लीकिंग तो पहले टॉप पे आती है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर फिजियोलॉजिकल भी लेके जी चलते हैं, हाँ जी हाँ तो आपको जी कोई काज नहीं मिली, आप ये कहना चाह रहे हो ना? कोई काज नहीं मिली मैडम, हाँ जी। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी सब कुछ नॉर्मल दे दिया कि 9 बीपीडी, वो तो जाहिर टर्म की 9 बीपीडी बनती है और फीमेल लेंथ भी 7, तो और फिर कह रही वेट भी सही है, सब कुछ ठीक है। फिर मैडम कहती है कि अच्छा नहीं डिलीवर हुई, तुमने मिस्टेकन इंडक्शन की डेट्स, नहीं हुई, अच्छा फिर बना क्या डाली मिस्टेकन डेट्स भी मिस्टेक? पूछा, हाँ बोला मैंने सबसे पहले मैडम मैंने बनाई उसकी यही थी, जब उन्होंने कहा वो ना भी कि नहीं थी, आईजीआर वो भी नहीं थी, जी नहीं, मिस्टेकन डेट मैंने कहा नहीं है। मिस्टेकन डेट्स हो सकती है, स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, फिर उसके अलावा जैसे लीकिंग ओलिगो आइटम नहीं हो। तो वो कहती चलो फिर इंडक्शन की है तो नहीं हुआ तो क्या करोगी? मैंने कहा दोबारा करूंगी। कहती कितनी देर बाद? मैंने कहा 6 घंटे के बाद ना। तो कहती अच्छा तो फिर दोबारा क्या नहीं हुई तो क्या करोगी? उतनी देर में बेल बजी। मैंने कहा अब आप खुद ही करती रहे, मैं तो जा रही हूँ जी। उसका सेक्शन होगा। मुझे समझ नहीं आई वैसे इस केस की। खैर मैम हमें भी जयान, नहीं आई, हमें भी इस केस की समझ नहीं जयान आई तुम्हारा डायबिटिक पेशेंट खैर ये से डिलीवर हो गया, तो कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई थी केस में, डायबिटीज केस मैडम। की? पहले
जब मैं गई तो उन्होंने मुझे शुगर उसकी चार्ट दिया भी था कि 300 शुगर है, अब क्या करोगी ये। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक रात पहले, मैडम आपने थ्योरी में हमें नोट्स करवाए थे डायबिटीज के, पूरा ना प्री कंसेप्शन काउंसलिंग से शुरू होके लेबर तक और उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन तक और सब कुछ। तो मैं बस लंबी सांस भर के वही बोलती रही, लेबर उसका मैनेज किया, फिर उन्होंने कहा शोल्डर डिस्ट्रोशन और पीपीएच के लिए मैम तैयार मेरी मेरा रहूंगी। मॉक भी डायबिटीज पे था, वो बिल्कुल यही वाला केस था जो आप बता रहे हो। जी जी मैडम, जी, मैडम आपका मॉक भी डायबिटीज पे था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम मैं तो बहुत खुश थी, अगर अब वो डायबिटीज नहीं था तो मैं परेशान हूँ। और हाइड्रोकेफलस में क्या हुआ, मतलब हाइड्रोकेफलस की? मैडम हाइड्रोकेफलस में हमारे पास पिक्चर लिखी हुई थी, हमें काउंसिल करना था डोमेस्टिक मैम वॉलेंस काउंसलिंग वाले। मैडम मैंने आपको हर एक एक जुमले पे दुआ दी है, हर जुमले पे कर सकती थी अगर वो आपने नहीं पढ़ाया हुआ। और ये है कि एक्लेम्शिया वाले में उन्होंने मुझसे पूरे कॉन्ट्रासेप्शन के पीछे पड़ गई थी, वो पता नहीं क्यों। तो वो था बस तो हाइड्रोकेफलस का थोड़ा सा मैं बताओ। मैंने मैडम हाइड्रोकेफलस तो हमारी तो पहले काउंसलिंग थी मैम और लेफ्ट हिस्ट्री थी। वेंट्रिकल, उन्होंने कहा था लेफ्ट वेंट्रिकल उसका डायलेटेड है। तो मैंने ना थोड़ा टाइम ना रेडियोलॉजी में काम किया हुआ है, तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायलेटेड आता था ना, तो हम पेशेंट्स को उधर मतलब यही वो जो रेडियोलॉजिस्ट थे तो वो ये ठीक हो जाएगा ना टाइम के साथ। तो मैं मेरे जहन में बस वही चीज थी कि ये अक्सर ठीक हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल ना, उन्हें का लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड है। तो मैंने वही पूरा उसको बताया कि 30 हफ्ते पे तुम आई हो तो करेंगे हम कुछ भी नहीं, इस बार आप ही प्रेगनेंसी को पूरे टर्म पे लेके जाएंगे और फिर उस टाइम पे मतलब देखेंगे करो, लेकिन आपके सीरियल स्कैन होंगे जिसमें हम देखेंगे। ये हो भी सकता है कि ये ठीक भी हो जाए, हो सकता है ना ठीक हो, लेकिन इसके साथ हम आपको बच्चों वाले डॉक्टर के पास, मैं अभी आपको रेफर कर रही हूँ, भेज रही हूँ, आपने दिखाना है ये, मैं पूरा पर्चा आपको बना के दूंगी, या आपने उनको जाके दिखाना है, वो फिर आपको मजीद और बताएंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर वो पूछ रही थी ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब हुआ क्या है मेरे साथ ना, तो मैंने कहा ये बच्चे के सर में मतलब एक होता है हिस्सा, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, उर्दू में नहीं मुझे बताना आ रहा था मैम लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या कहते हैं। तो पहले मैंने पूछ लिया था, पढ़ी लिखी है, किसी और को बुलाना चाहती हैं तो मेरी बात लेकिन जहाँ वो बैड समझ न्यूज ना की आए मुझे टेम्पलेट रोक थी के ना। पूछना है। हाँ जी, तो मेरे पास कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है आपको बताने के लिए ना, लेकिन ये है कि आपने बड़ी हिम्मत से सुनी, लेकिन ये बच्चे मतलब ठीक हो जाते हैं, इसका इलाज है, ये काबिल इलाज वो मसला है बच्चे आपके के साथ ना, ये सारी आइसोलेटेड चीजें बता के हाइड्रोकेफलस फिर था, मतलब उसके साथ में कोई और एनोमलीज नहीं थी ना? नहीं पूछी मैंने। मैंने कहा अच्छा आपने ये जब करवाया है 30 हफ्ते पे, उसके अलावा उन्होंने कोई और बताया है इसको कि आपके बच्चे को? कोई नहीं कहती, और कोई मसला नहीं है, बस उन्होंने आइसोलेटेड कहा है कि ये रिपोर्ट है लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड है। तो मैं तो यही लेके चली थी, लेकिन ये है कि जब आपका बच्चा पैदा होगा, मैं बच्चों वाले डॉक्टर की मौजूदगी में हम उसे पैदा करेंगे, जैसे ही पैदा होगा हम उसको हैंड ओवर करेंगे, बाकी मैनेजमेंट वो करेंगे। और हो सकता है कि बच्चे के अगर उस टाइम पे उनको लगा डॉक्टरों को बच्चे के टेस्ट होंगे, सर का अल्ट्रासाउंड होगा, उसके मुताबिक वो फिर देखेंगे कि ऑपरेशन से ठीक करना है या दवाइयों से ठीक करना है, और अगर जरूरत पड़ी तो एक स्टेंट डालते हैं और उसे ठीक हो जाता है। तो अच्छा, आपने और एक कुछ चीज मुझे मजीद बता पूछना दो, है? हाइड्रोकेफलस को डिलीवर कैसे हाँ, करना और है? उसने पूछा कि मेरा बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा, तो मैंने कहा था कि देखेंगे उस टाइम पे, अगर तो डिलीवरी स्मूथ हुई तो ठीक है, लेकिन आपने ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है, आपसे ऑपरेशन का कंसेंट लेके आपकी डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे। मतलब आपने रियल टाइम बीपीडी कराना है, अगर वो 100 से कम है जी तो हाँ जी, मैंने उसे कहा था कि कराया जाए। सीरियल स्कैन होंगे। और वो भी हाँ है कि इसको जी, पता चाहिए, इफ शी नाइन डिजायर्स द बेबी, तो उसमें सेक्शन बेहतर है अगर हाइड्रोकेफलस मॉडरेट या सवेयर है। अगर जी, इसको मैंने बच्चे कहा को था कि आपको उल्टी ऑपरेशन हो चाहिए तो सकता फिर है, कोई भी नॉमी चांसेस हैं। एनोमली होती है। ठीक है, और स्टिचेस आई थिंक सबक्यूटिकुलर और मैट्रिक्स था पीछे सो वो। लग ही नहीं रहे थे ना, इतना गंदा वो मटेरियल रखा हुआ था ना, लग ही नहीं रहे थे। तो वो मुझे कहती हैं सब क्यूटिकल लगा के दिखाओ ना, वो एक लगा उसके बाद वो फोम के अंदर से निकल के तो वो बाहर आ जाए, और ऊपर जो वो शीट सी थी वो इतनी हार्ड थी कि उससे लग ही नहीं रहे थे। तो कहती हैं अच्छा चलो मुझे बस ये बता दो इसमें तुम नॉट कौन सी लगाओगी। तो मैंने कहा मैडम मैं तो नॉट नहीं लगाती, मैं तो वैसे ही मतलब निकाल के स्किन से, क्योंकि वो इतने अच्छा अप्रोक्सीमेशन हो जाती है, उसमें नॉट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए तो मैडम मैंने कहा मरीज कहते हैं कंप्यूटर वाले टांके लगे हैं। तो फिर वो कहती है अच्छा चलो, अब ये दूसरा वो था
जो था मैं ना मैडम, नॉट नॉट लगती है लाइक दोनों साइडों पे, अगर मैं प्रोटीन मैंने की तो यही कहा था, मैं नहीं लगाती नॉट लगती है, तो बट मैंने एनीवे वाइकरल प्रोलीन मांगा था, मैंने कहा मैं वाइकरल से लगाऊंगी, और वाइकरल दोनों से और लग सकते हैं, वाइकरल में जरूरत नहीं है बिकॉज वो तो दोनों बताए कंप्लीट। थे मैंने प्रोलीन, लेकिन मैंने कहा था कि आजकल ज्यादा वाइकरल, तो वाइकरल से थोड़ी पेन और वो चीज कम होती प्रोलीन है, बेहतर है तो फिर इसलिए ना बिल्कुल। जी वो तो पड़ा ही मैम उनके आपका पास कैसा हुआ, वाइकरल। हाँ जी था ना। आपका कैसा हुआ था स्टिचेस का? हाँ नहीं मैडम, मेरा बस मुनासिब हुआ था, ये बहुत अच्छा नहीं हुआ था लेकिन बहुत बुरा भी नहीं हुआ था। मैं अभी प्रैक्टिस नॉट कैसे लगवा की थी दी थी उसकी, मैंने, घर में की थी कि बट गेट पर देखी थी या वार्ड गए थे, या वार्ड में लगाते नहीं रहते रहते थे? मैडम वार्ड में तो मैंने, असल में मेरी ट्रेनिंग अभी जून में ही खत्म हुई है, तो आते थे मैं 2020 की ग्रेजुएट हूँ, और फिर मैंने फॉरन ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, और ट्रेनिंग भी अभी जून में ही खत्म हुई है तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो गए ना? जी मैम। ओ काफी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं, मुझे नहीं अंदाजा था हाँ वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बस चलो गुड लक भाई दोबारा से, कंग्रेचुलेशन। सीपीसी जजाक अल्लाह मैम, के थैंक यू एग्जाम सो फर्स्ट मच अटेम्प्ट में करना भी एक गोल्ड मेडल है। वैसे मिल भी सकता है, मैम। चेक कर लेना अगर मैं आपका वैसे अच्छा। वो वाली मिसाल है मैम ये ना, अगर कोई आपकी शेर वजह से बाजार में मिला असर शबानी है, से मैम ये चली हूँ दो आपकी कदम वजह से बराबर, मिला है। आपने वो मैडम शेर हमारी, शेर रह गया दरमियान में जयान, दोबारा सुनाओ। मैडम वो है, अगर कोई शोएब आ जाए मैं सर शबानी से कली में दो कदम, हजरत अच्छा ये शोएब मतलब अलैहि सलाम हजरत मूसा के उस्ताद थे, तो हजरत अच्छा मूसा उनकी बकरियां चराते थे, तो ये शेर है कि अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए तो बकरियां चलाने वाला अगर कलीमुल्लाह का लकब हासिल कर सकता जैसे इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने कभी शेर सुना नहीं, और बहुत ही अच्छा है ये तो। हाउ आई है, इकबाल का देखना, है मैडम। नहीं बेकार पसंद है, लेकिन भाई आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस, बहुत प्यारा लगा सुनने में मुझे। नहीं मैडम आपके लिए तो फिट होता है माशाल्लाह से मैडम, आपने वहां कई बच्चों की जिंदगी क्या बदली है। नहीं आप लोग भी बहुत अच्छे हो, हार्ड वर्किंग हो, साइमा जयान, फरजाना, नूरीन, नहीं उनके लिए मैम भी मैं आज गाने मेरे के से कोई लिए। पूछ रही थी ना, वही उनका नहीं हुआ तो वो मुझे कह रही थी, तो मतलब मैंने तो उसे यही कहा है, क्योंकि मैम एक चीज होती है कि डेली का एक जो टास्क मिलता है ना, उसको हम डेली का अगर करते रहे ना, तो वो एक समझे कि एक स्टेप होता है हमारी सक्सेस के लिए। तो मैंने तो मैडम आपकी बातों को सुना है, और उन पे मतलब सुना नहीं, सिर्फ उन पे अमल किया है, थ्योरी में भी, क्रैश कोर्स में भी, और अभी टॉक्स में भी, तो बस शायद और अल्लाह की मदद के बाद, आपकी मदद और आपके बातों पे अमल, बस शायद यही मेरी कामयाबी की वजह है, बहुत सारी नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैं बनाई हैं आप सबके लिए आप। और सबसे बड़ी बात पता है कि जब एग्जाम पास हो जाता है ना, तो कैंडिडेट्स कहते हैं यार अब पास हो गए हैं ना, तो मतलब डिफिकल्टी होती है उनसे बातचीत करने में ना, बिजी रहते हैं, सेलिब्रेशन चल रही होती है, लेकिन आप लोगों यू नो क्रेडिट गोज टू यू कि इतने आप हेक्टिक टाइम गुजारा है, फिर कल एग्जाम था, फिर आज आप लोगों ने इतना टाइम दिया ताकि आपके कोलिग्स कुछ सीख सकें, तो ये बहुत काइंड जेस्टर है, और बहुत हेल्प जो है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। नहीं मैम और मेरी तो सबको, आने वाले लोगों को और जिनका नहीं हुआ उनके लिए यही मशवरा है कि आपकी बातों को सिर्फ सुने नहीं, उन पे अमल करें तो तभी पास होगा। मतलब मैम एग्जाम अगर देना है ना तो डिवोशन के साथ दो, वरना अगर आपने मतलब उसको एग्जाम को टाइम नहीं देना ना, तो फिर नहीं देना चाहिए एग्जाम। मैम जैसे आप कहती थी ना कि 4 से 5 घंटे, मतलब 2 4 से 5 घंटे तो नहीं, हमारा तो सुबह से लेके शाम तक, मतलब रात सोने तक यही होता था कि बस मतलब पढ़ाई का ही एक था, तो बस आपकी बातों पे अगर अमल करें तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर होती है। बहुत अच्छी मैंने तो टिप्स हैं, यही और मैं इनको ना अब सेशन जी एंड हो रहा है, पॉडकास्ट हमारी एंड हो रही है, मैं इनको ना यू नो वो कर रही हूँ, समरी बना रही हूँ, रिकैप बना रही हूँ आप ही की बातों को देखते हुए। सबसे पहला तो ये है कि ना डू समथिंग डेली, है ना, एकदम से कोई मैजिक नहीं होता, जैसे डॉक्टर उज्मा ने जी बताया बिल्कुल 1-2 महीने में कोई मैजिक नहीं नहीं होता, तो ये आपकी डेली की डूइंग्स हैं एक्चुअली जो आपकी फाइनल सक्सेस में ऐड होती है ना, ऐसा ही है ना। तो सब जी रोज जी कुछ ना ऐसा कुछ ही है करना है, मैम। चाहे छोटा सा टॉपिक पढ़ लें, बट यू नो आप करें, है ना, रोज कुछ करें, तो यू नो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैम वो जिस तरह आप लोग बना के, मतलब मैंने तो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, फिर जैसे आपने ना वो एक चीज को किया होता है कि ये इस तरह करके चलना है, ये इस तरह करके चलना है, मुझे शुरू में पहले लगता था यार क्या मैडम एफसीपीएस के साथ हमें रखा हुआ है, वो बात मुझे जब क्रैश कोर्स लिया,
क्रैश कोर्स में समझ आई कि अच्छा मैडम इसलिए एफसीपीएस के साथ पढ़ाती थी कि वो चीजें ज्यादा अगर हम करेंगे तो उसमें से इतना निचोड़ निकल के तो वो फिर इस तरह करके आएगा, तो फिर मुझे समझ आई। तो जब क्रैश कोर्स के बाद वो कल आसमा लियाकत है ना, मैं और वो दोनों पार्टनर थे ना मैम, तो फिर उसमें वो मुझे कल कहती कि साइमा मुझे पता क्या लगता है कि अगर ये हमारा टॉक्स क्रैश के फौरन बाद होता ना तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते, कि हमने क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें कवर कर ली हुई थी। तो मैंने कहा हाँ, कहती अब तो हम भुला चुके थे इन चीजों को, लेकिन फिर भी चले काफी जैसे चीजों को देखो मैनेज कर लिए। साइमा, जो आपकी बैकग्राउंड थ्योरी है ना, आप देखते हो ना ये कितना काम आती है, कितनी काम जी आती है मैम, आपकी एग्जैक्टली टॉक्स ऐसे ही में, है, बिल्कुल ऐसे उसी ही है सेकंड आपकी बैकग्राउंड थ्योरी है ना। जी मैम, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो दूसरा मेरा ये है कि प्रैक्टिस करें डेली समथिंग, कुछ ना कुछ करें, और डोंट गिव अप। मतलब बाजू का ये भी होगा कि मूड अच्छा नहीं है, मेहमान आ गए, तबीयत सही नहीं है, तो ये तो चलता है, सबके साथ है, लेकिन यू नो गिव अप नहीं करना, नेक्स्ट डे दोबारा से शुरू कर देना, ठीक है? तो ये बड़ा जरूरी है। और जो चौथी मैं एडवाइस दूंगी रियल टाइम एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में ना कुछ भी हो सकता है, लाइक एक एक कैंडिडेट, एक एक रोल प्लेयर अच्छा नहीं है, या एग्जामिनर अच्छा नहीं है, या एक स्टेशन पे आप खुद भी अच्छे नहीं है, तो आपने वहां पे ना नो स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने नेक्स्ट स्टेशन पे दोबारा से अपना 100% देना है, बिल्कुल ये ना न्यू स्टार्ट लेनी। और फिर फाइनल यू नो जब आपके 12-13 स्टेशन हो जाते हैं ना, तो वो एक स्टेशन आराम से कम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है? तो रियल टाइम एग्जाम में ना आपने बिल्कुल आखिरी बॉल तक लड़ना है। तो ये मेरे आप लोगों से बात करने के बाद इसका मेरा रिकैप यही बना है कि रोज कुछ ना कुछ करें, प्रैक्टिस करें, खुद को यू नो सुने, रिकॉर्ड करें, और कोई दिन आइडियल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट डे स्टार्ट कर लें, हमेशा यू नो पॉजिटिव रहें और ब्राइटर साइड देखें चीज़ों की। जिंदगी तो पहले ही डिफिकल्ट है लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो यू नो ब्राइटर साइड पे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और रियल एग्जाम में आपने इतना एफर्ट किया है, तो एग्जाम में हर एक के लिए एक या दो स्टेशन ना डिफिकल्ट होते हैं, जैसे साइमा के लिए था सीटम लेबर, ज्यान के लिए स्टिचेस मुश्किल थे, और मे भी मैं अगर बाकी लोग भी अगर अब अवेलेबल होते जिन्होंने एग्जाम पास किया, उनके लिए भी एक या दो स्टेशन खराब होते, लेकिन फिर भी टुडे दे हैव पास देयर एग्जाम। तो एक या दो स्टेशन भी अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते तो फॉरगेट अबाउट दो स्टेशन, और जो कमिंग स्टेशन है उन पे आप अपनी यू नो 100% देते हैं। विद दीज फ्यू टिप्स मैं पॉडकास्ट को एंड करने लगी हूँ, और मुझे बड़ा उम्मीद है कि ये सबका जारिया ही रहेगा ये चीज, क्योंकि इट विल बी यू नो ऑन यूट्यूब, एनीवन कैन हैव एक्सेस, तो वो बड़ा सीखेंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे चैंपियंस होते हैं, कैसे अपना रास्ता बनाते हैं, और यू नो सक्सेसफुल होते हैं, और क्या डूज हैं क्या डोंट हैं, ठीक है? तो मैम आप पेप्स मेर भी था, पेप्स मेर भी था, हाँ पेप्स में भी था, मैंने लिखा था लेकिन शायद मैं भूल गया ऐड करना, पेप्स में भी पेप्स मेर भी उसके था। हाँ जी, पेप्स मेर का उन्होंने पेप्स बस ये पूछा था कि अच्छा परफॉर्म करके बताएं कि मैं आई हूँ, मैंने पेप्स मेर करवाना है, तो आप मुझे कैसे बताएंगी कि कैसे होता है, क्या क्या मैं उसमें प्री रिक्विजिट्स होंगे। तो मैंने फिर बताया कि इस तरह से मतलब मेंस्ट्रुअल आपके मेंसेस नहीं होने चाहिए, इंटरकोर्स नहीं, और फिर कोई अगर टेम्पोन वगैरह यूज कर रही है तो वो नहीं होना चाहिए। तो कहती और, मैंने कहा मैम बस अभी तो यही याद आ रहे, तो फिर कहती चलो परफॉर्म करो, फिर कहती फिक्स कैसे करोगी इसको, थोड़ा ड्राई करोगी तो फिर फिक्स करोगी। मैंने कहा जी मैम थोड़ा सा वेट करूंगी फिर उसके बाद फिक्स करूंगी। अच्छा इसमें कितना क्या होता है, मैंने कहा अल्कोहल होती कितने परसेंट होती है, तो वो मुझे नहीं पता था कितने परसेंट होती है। तो कहती अच्छा नहीं जी, तो बस ये इतना ही उन्होंने पूछा था, ये शायद कुछ एक आधा और पूछा होगा, बस बस यही था मेरा ख्याल, परफॉर्म करवा के देखा था। मुझे खुद हाँ जी नहीं जी बस यही, मुझे मैंने कहा अल्कोहल ही होगी क्योंकि फिक्सिंग स्प्रे है, स्प्रे है तो उसमें अल्कोहल ही होगी। पता जी, है, तो फिर तो कहती सिंपल ही अच्छा होगा ना, हाँ स्टेप्स होंगे, प्रीरिक्विजिट्स होंगे ना। जी, फिर मैं करके जब बैठ गई ना, अच्छा कहती इसको कैसे तुम रोटेट करोगी, मैंने कहा ऑल अराउंड 360 डिग्री पे मतलब पूरा लूंगी ना सैंपल। तो कहती अच्छा, बस फिर करके बैठ गई, कहती अच्छा कुछ और अगर ऐड करना है तो कर लो। मैंने कहा प्री रिक्विजिट्स में मैम अगर मैं स्टार्ट करने से पहले फॉर्म वगैरह फिल कर लूंगी, कोई प्रीवियस हिस्ट्री या पैप्स मेर की उसका नंबर लिखूंगी, अगर उसमें कोई फाइंडिंग थी वो लिखूंगी, सारा इस तरह करके प्री मतलब फुल फिल करके अपना कंप्लीट करके, तो फिर के बैठ गई। फिर कहती अच्छा कुछ और ऐड करना है तो कर लो।
वैसे तो सारा कार्य लिया है, तो बस इस तरह का कि ये हुआ था। चलो फाइनली इट्स ओवर नाउ। जी मैम, लकी जी मैम, बस मैम थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह पाक आपको मैम बहुत जजा दे, अल्लाह पाक आपके बच्चों के लिए आमीन। आसानियां करे, क्योंकि आप हमारे लिए आसानियां पैदा करनी है, तो अल्लाह नहीं, अब आप ही पाक सानिया आपके पैदा और कर रही हो आपके हमारे बच्चों के लिए लिए। सारा आसानियां। पेपर तो आपने आउट मैं कर लिया। थैंक यू बस थैंक यू। शुक्र है अल्लाह दया पाक आने का और आपका शुक्र है।